नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ सिंह चरण एक बार पुनः जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं भारतीय इतिहास के एक टॉपिक को लेकर के, और उस टॉपिक का नाम है भक्ति आंदोलन। इस पर अपन चर्चा करेंगे। एक बार बच्चे जुड़ जाए। जय श्री कृष्णा सिम्मी जी, नमस्कार मीना जी, जय एस के जितेंद्र जी, एक बार शेयर कर दें क्लास को ताकि बच्चे जुड़ पाए। शेयर कर दें एक बार। गुड इवनिंग रेखा जी, गुड इवनिंग सपना, शेयर कर दें एक बार क्लास को, बच्चे जुड़ पाए। शेयर नहीं करते आप लोग। रेखा शर्मा, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। पूजा टेलर, नमस्कार पूजा जी। शंकर जाट, राम राम। क्या करें, चालू कर दें? चलो भैया करते हैं श्री गणेश। पहला प्रश्न, गुड इवनिंग चकली शर्मा, कमलेश जाट, नमस्कार पूजा मेवाड़ा, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था, भक्ति आंदोलन का जो सामाजिक परिणाम है वो क्या था? कौन सा परिणाम बताना है? सामाजिक परिणाम बताना है। गुरु के महत्व में वृद्धि, स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि, सिख धर्म का उदय और क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि। जय श्री कृष्णा डीके, अजय मीणा, शेयर है क्लास, बिल्कुल आप शेयर कर दें क्लास को अजय जी। हेमंत सुखवाल, नमस्कार, बताएं भाई उत्तर आने दे। जुड़ गए जिनको जुड़ना था, धीरे धीरे जुड़ते रहे। आपको भगवा प्रणाम, बिल्कुल साहब आपको भी। बताएं भाई, भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था, मेना डी। आने दे आने दे आने दे उत्तर आने दे। पूजा टेलर डी, हेमंत सुखवाल डी, सिमी डोडिया यस सर, मंजू मीणा डी, क्या होगा भाई? रेखा जिनगर डी। देखो याद रखना, अगर यहां से मैं भक्ति आंदोलन हटा करके यदि सूफी आंदोलन डाल दूं तो भी सामाजिक परिणाम यही होगा। क्योंकि भक्ति और सूफी दोनों में एक सामान्य बात थी। सामान्य बात क्या थी? कि दोनों के ही संतों ने क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा का उपयोग किया, क्षेत्रीय भाषा का क्या किया दोनों ने? उपयोग किया। अगर मैं यहां से सामाजिक हटा करके अगर मैं यहां धार्मिक डाल दूं कि भाई भक्ति या सूफी आंदोलन का सामाजिक परिणाम क्या था, तो फिर उत्तर बदल जाएगा। धार्मिक परिणाम क्या था? तो धार्मिक परिणाम में देखो, सबसे पहले तो क्या हुआ कि पुरोहितवाद की समाप्ति या पुरोहितवाद में कमी, और साथ साथ में हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों में जन जागृति, और क्या हुआ तो कर्मकांड की कमी, ये सब इसके धार्मिक परिणाम है भैया ना। कौन से परिणाम है? वो धार्मिक। जबकि पूछा कौन सा है? सामाजिक। सामाजिक परिणाम क्या है इसका? क्षेत्रीय भाषाओं की क्या हो गई? समृद्धि हो गई। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के तुलसीदास समकालीन थे? भाई जो तुलसीदास है वो किसके समकालीन है? गुड इवनिंग रिंकू जी, नमस्कार खुशबू जी, गुड इवनिंग जितेंद्र जी, अभियंता पोरवाल, नमस्कार। तुलसीदास किसके समकालीन है? अब आप में से कुछ हिंदी के स्टूडेंट भी हैं जिनको भक्ति आंदोलन बड़े अच्छे से आता है, हालांकि सूफी में तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। सूफी आंदोलन में बहुत दिक्कतें भी आती है ना, कभी चर्चा करेंगे सूफी आंदोलन पर। इसके बाद में मैं सूफी लूंगा वैसे भी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। पूजा ए, मेना ए, मंजू ए, हेमराज सर, अधिक से अधिक शेयर करें बिल्कुल। रेखा शर्मा ए, गुड इवनिंग मधु जी, कल्पना खटीक ए, सिम्मी डोडिया ए। देखो सबसे पहली बात, तुलसीदास की पत्नी,
जिनके कारण तुलसीदास तुलसीदास बन पाए, नाम है रत्नावली। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो रामचरितमानस, फिर वैराग्य संदीपनी, फिर बरवे रामायण, बरवे रामायण, फिर कवितावली, फिर गीतावली, फिर विनय पत्रिका। ये सारी रचनाएं किसकी? तुलसीदास की। किसके समकालीन है? अकबर के। लेकिन एक प्रश्न और भी ध्यान रखना कि अकबर के समय का महान ग्रंथ कौन सा है? आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी, लेखक कौन है? अबुल फजल। याद रखना तुलसीदास अकबर के समकालीन है, लेकिन आइने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं है। आइने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं है। तो ये सारी चीजें याद रख लेना आप, ठीक है? फिर औरंगजेब के समकालीन कौन है? महाराष्ट्र के संत है तुकाराम, सॉरी रामदास, जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं, वो किसके समकालीन हो जाएंगे? औरंगजेब के समकालीन हो जाएंगे। हाँ, आइन अकबरी, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणाम कराने का प्रारंभ किया था। जो सिख जाति है उन सिखों को सैन्य या लड़ाकू जाति के रूप में किसने प्रारंभ करवाया? उत्तर आने दे भाई, फिर आज अपन इस सिख धर्म सुधार आंदोलन को पूरे को निपटा देते हैं, जैसे कल महाराष्ट्र का धर्म सुधार आंदोलन निपटाया था वैसे ही। जितेंद्र जी ए, कमलेश जाट दो, पूजा टेलर बी, प्रियंका कुमावत ए, जोगेंद्र जी बी, भगवान जी बी, मेना सी, रिंकू बी, कमलेश दो, मंजू मीणा ए, दीपक जी ए, रेखा शर्मा है। ठीक है भाई, कुछ का उत्तर सही आ रहा है, कुछ का गलत आ रहा है। उत्तर क्या है इसका? हर गोविंद है भाई इसका उत्तर। देखो, मैंने आपको कल एक चीज बताई भी थी, एक बार फिर देख लेते अपन उसको। देखो, सबसे पहले बात करते हैं गुरु नानक की। नानक का जन्म 1469 तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। ये स्थान वर्तमान में क्या कहलाता है? तो ये स्थान वर्तमान में कहलाता है ननकाना साहिब। अभी कुछ दिन पहले विवादित भी रहा था, है ना? अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था। अब गुरु नानक जो है ये निर्गुण थे, सिख लोग निर्गुण होते हैं और जाति पाति के खिलाफ थे, जाति कोमा कर्मकांड के खिलाफ। कर्मकांड के क्या हो जाएंगे? ये खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है? और इन्होंने क्या किया? इन्होंने लंगर प्रथा की औपचारिक शुरुआत की। लंगर प्रथा की कैसी शुरुआत की? औपचारिक प्रारंभ। और ये जो है ये बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा रबाब बजाया करते थे। रबाब वाद्य यंत्र है, तो ये रबाब वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है? और इनका एक शिष्य था और इनके शिष्य का नाम था मर्दाना। ये मर्दाना बहुत अच्छी सारंगी बजाता था। मर्दाना क्या बजाता था? बहुत अच्छी सारंगी बजाता था, ठीक है? फिर दूसरा संत कौन आएगा? नानक अंगद, गुरु अंगद देव। अंगद देव के साथ में क्या है? अंगद देव ने सबसे पहले तो कौन सी लिपि चलाई? गुरुमुखी लिपि चलाई। कौन सी लिपि चलाई? और साथ में लंगर प्रथा को प्रारंभ किया। लंगर प्रथा को क्या कर दिया इन्होंने? प्रारंभ कर दिया। फिर कौन से संत आएंगे? नानक अंगद अमरदास। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लंगर को, जो लंगर प्रथा थी ना, वो लंगर प्रथा को, प्रणाम नमस्कार सभी को, नमस्कार, लंगर प्रथा को क्या किया इन्होंने? स्थायित्व दिया, स्थायी बनाया। कहते हैं ये उस व्यक्ति से मिलते ही नहीं थे जो लंगर प्रथा में खाना नहीं खाए। और साथ में इन्होंने एक विशिष्ट सिखों की विवाह पद्धति है जिसको कहा जाता है लवन या लहना, लहना को चलाया था इन्होंने।
तो नानक अंगद अमरदास, फिर आएगा कौन? रामदास। रामदास जी के बारे में क्या क्या है? तो रामदास जी सभी गुरु हैं ना, सभी गुरु हैं, ठीक है। रामदास जी, रामदास जी को अकबर ने, अकबर ने 500 बीघा जमीन दी। कितने बीघा जमीन दी? 500 बीघा जमीन दी, जिस पर इन्होंने कौन सा बसाया? रामसर कस्बा। कौन सा कस्बा बसाया? रामसर कस्बा बसाया। और यही रामसर कस्बा आगे चल के अमृतसर, कौन सा नगर बनता है? अमृतसर नगर बनता है, ठीक है। फिर अगला अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन, गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी के क्या क्या है? तो गुरु अर्जुन देव की जो आपको पता है कि इनको मृत्युदंड दिया था, किसने दिया था? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर और फिर जहांगीर, जहांगीर या सलीम। इन्होंने क्या दिया? मृत्युदंड दिया। इनके दो उपनाम, एक इनको कहा जाता है शहीदों का सरताज, शहीदों का सरताज, और एक इनका नाम है शांति पुंज। दो इनके उपनाम हो जाएंगे। और क्या इनके बारे में? तो इनकी जो इनके जो वचन है, इनके वचनों का संग्रह, इनके वचनों का संग्रह कहलाता है सुखमणि साहिब। वचनों का संग्रह क्या कहलाएगा इनका? हाँ बिल्कुल, सुखमणि साहिब। अब इनको मृत्युदंड क्यों दिया था? क्योंकि जहांगीर का पुत्र था खुसरो, खुसरो को इन्होंने विजय भाव कहा, आशीर्वाद दिया खुसरो का, तो इसलिए क्या दे दिया? मृत्युदंड दे दिया। ये खुसरो कौन है? ये है मानीबाई का बेटा, मानीबाई का बेटा, यानी कि मान सिंह का भाणेज है ना। और ये कौन से युद्ध में हारता है? ये हारता है 1659 भैरोवल के युद्ध में, भैरोवल युद्ध में हारा, और इसको अंधा कर दिया था जहांगीर ने, जहांगीर मतलब सलीम, जहांगीर ने इसको क्या कर दिया था? अंधा कर दिया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने सूफी संत मियां मीर के हाथों हर मंदिर साहब की नींव रखवाई, हर मंदिर साहब की क्या रखवाई? नींव रखवाई। यही हर मंदिर साहब जो है, इस पर सोना जड़वाएंगे रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह ने क्या जड़वाया? सोना जड़वाया। और बाद में यही हर मंदिर साहब को अंग्रेजों ने गोल्डन टेंपल कहा। क्या कह दिया? गोल्डन टेंपल कह दिया। अर्जुन देव, नानक, अंगद अमरदास, रामदास, अर्जुन, फिर आएंगे हर गोविंद। इन्होंने स्थापना की थी अकाल तख्त की, अकाल तख्त की स्थापना। अकाल तख्त के तहत ये टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। अकाल तख्त के तहत क्या लेना प्रारंभ कर दिया? टैक्स लेना। और साथ साथ में सिखों को कौन सी कौम बनाया? लड़ाकू कौम बनाया। फिर शाहजहां का एक बाद जो है वो उड़ करके हर गोविंद जी के पास आ गया था। तो हर शाहजहां जब वापस लेने आया तो हर गोविंद जी ने कहा कि ये मेरा शरणार्थी है, मैं नहीं दूंगा। तो शाहजहां ने कहा कि भाई शरणार्थी है, आप इसकी क्या शक्ति से प्रभावित हो गए? तो इन्होंने एक मरी हुई चिड़िया से, मतलब जो मरने वाली थी, बीमार चिड़िया से उसको लड़वाया, और लड़वाया तो उसमें वो बाज हार गया और चिड़िया जीत गई। तो इसका मतलब शाहजहां से बाज प्रकरण में विवाद हुआ। बाज प्रकरण में क्या हो गया? विवाद हो गया, समझ गए। इसीलिए फिर इन्होंने एक बात भी कही थी, चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं तब हर गोविंद नाम कहा हूं। बाद में इसमें चेंज होता है, 1,25,000 ते एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहा हूं। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह, ठीक है। तो नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, हर गोविंद हो गया। फिर हर राय जी के बारे में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर इसके बाद में हर किशन जी ने क्या किया था? तो हर किशन जी ने दिल्ली के लोगों को, उस समय महामारी फैली थी जैसे अभी कोविड है ना वैसे, तो दिल्ली के लोगों का इन्होंने मुफ्त इलाज किया,
मुफ्त क्या किया, इलाज किया। इस कारण दिल्ली के लोगों ने इन्हें एक नाम दिया, बाला पीर। क्या कहा इन्हें? बाला पीर। का पीर से याद रखना, जिंदा पीर। जिंदा पीर कहते हैं औरंगजेब को। किसको कहते हैं? औरंगजेब का, ठीक है। और पीरों के पीर ये कहते हैं रामदेव जी को। और पंचपीर आपको पता ही है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया में, हाँ वो पंचपीर हो जाएंगे। फिर इसके बाद में हर किशन के बाद में तेग बहादुर, इन्हें किसने मृत्युदंड दिया था धर्म परिवर्तन नहीं करने के कारण? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने क्या दिया? मृत्युदंड दिया। और जहां इनको मृत्युदंड दिया वहां गुरुद्वारा बनाया, गुरुद्वारे का नाम है शीशगंज। हर गोविंद, तेग बहादुर और फिर अंतिम गुरु दसवें, और कौन से? गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने क्या किया गुरु गोविंद सिंह ने? गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि 1699 में अकाल तख्त, सॉरी 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की क्या की इन्होंने? उठाओ इसको छोटा भाई। खालसा पंथ की स्थापना की, ठीक है। और साथ साथ में इन्होंने गुरुपद को समाप्त किया। गुरुपद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और बोला कि आज के बाद आपके गुरु कौन है? तो बोले गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब आपके क्या हैं? आज से गुरु हैं। और साथ साथ में इन्होंने पंचम ककार की अवधारणा दी, जिसमें आपको पता ही है केश, कंगा, कच्छा, कटार और कड़ा। ये आपका पूरा सिखों का जो धर्म सुधार आंदोलन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है इसके साथ में, ठीक है बच्चों। श्री ग्रंथ साहिब में भजन नहीं है। श्री ग्रंथ साहिब में भजन नहीं है किसके? आने देवे उत्तर, किसके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है? 13 अप्रैल को की, ठीक है रणवीर जी। श्री ग्रंथ साहिब में किसके भजन नहीं है? ज्ञान तो देने को और भी बहुत सारा है, लेकिन रेट का लिहाज रखना है हमको। आपको विजेता बनाना है, विद्वान नहीं बनाना है ना। कई सारी चीजें हैं जो, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको बताते नहीं है, उसका कारण वो लेवल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस कारण से। हाँ, तो श्री ग्रंथ साहिब में भजन किसके नहीं है बता दे भाई फटाफट। ऐसा कौन है जिसके भजन श्री ग्रंथ साहिब में नहीं है? डी डी मंजू, रेखा शर्मा डी, मंजू ए, कल्पना घटिक डी, शंकरलाल बी, प्रियंका कुमावत बी, रचिता चंदेल डी, दुर्गेश मीणा द, खुशबू ड, चलो भाई आ रहे हैं कुछ के उत्तर, तो चर्चा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो जो श्री ग्रंथ है इसको आप गुरु ग्रंथ साहिब माने, श्री ग्रंथ भी नहीं कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें किस किस के हैं? तो देखो रामानंद, लास्ट टाइम किसी ने पूछा था कि सर कोई ट्रिक बता दो, देखो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। रामानंद के शिष्य हैं कुछ, तो कौन कौन से? रैदास, कबीर, सेना और धन्ना, इन चारों के रामानंद के भी हैं। फिर किसके? तो एक सूफी संत है, सूफी संत का नाम है फरीद, इनके भी। और महाराष्ट्र का एक संत है, संत का नाम है नामदेव, याद रह जाएगा ना। अब क्या बच गया इसमें से? पीपा। पीपा के भजन गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूद आंदोलन से संबंधित था? कौन सा आंदोलन बता रहा भैया? दासकूट आंदोलन। पूजा टेलर बी, खुशी वैष्णव डी, राम राम लालचंद जी, राम राम, जय श्री राम, खुशी वैष्णव बी। आने दे उत्तर, आने दे। मिथिलेश जी डी, जितेंद्र कोटवाल बी, आने दे, आने दे, आने दे उत्तर, आने दे।
वैसे लगभग उत्तर आ चुका है आप लोगों का, पुरंदर दास। और ये भी याद रखना, ये दासकूट आंदोलन जो है ना, ये औरंगजेब के समय काफी प्रसिद्ध भी रहा था। काफी प्रसिद्ध रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कक्षा को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करो, क्योंकि ये कोई प्रश्नोत्तरी नहीं है। एक हिसाब से देखा जाए तो कोई प्रश्नोत्तरी नहीं है, आपका पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाता है इससे, क्योंकि हम एक प्रश्न की इतनी ज्यादा व्याख्या करते हैं कि वो सारी की सारी चीजें उसमें आ जाती है। जैसे राम नामदेव का नाम आया तो पूरा महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन पढ़ा दिया, गुरु नानक का नाम आया तो सिख आंदोलन पूरा का पूरा पढ़ा दिया, दादू दयाल का नाम आएगा तो उनको भी पूरा पढ़ा देंगे, जय माता जी की, मुकेश जी जय माता जी की। हाँ, तो अगला संत, निम्न में से सूफी संतों का क्रम, ये थोड़ा सूफी आंदोलन का प्रश्न आ गया, कोई बात नहीं, सूफी भी है आपके कोर्स में, ये सूफी का है ना, गलती से डल गया मेरे से। तो सूफी आंदोलन में जो ऋषि सिलसिला है, इस ऋषि सिलसिला कहां का है ये? कश्मीर, अजमेर, हैदराबाद और आगरा। खुशबू शर्मा बी, ये सूफी का प्रश्न है भाई, पहले ही बता देता हूं, भक्ति का प्रश्न नहीं है ये। कल अपन सूफी आंदोलन पे भी चर्चा करेंगे, बहुत दिक्कत आती है आपको सूफी आंदोलन में, आई नो वेरी वेल दैट। जितने भी बच्चे पढ़ाए सब लोग यही बोलते हैं कि सर सूफी आंदोलन बहुत डेंजर आंदोलन है सर, समझ में ही नहीं आता, याद ही नहीं होता, नाम ही अब का गणार। हाँ, तो क्या हो जाएगा भाई? दीपक बी, विश्वेश्वरी जोशी ए, रेखा शर्मा बी, मैना ए, पूजा बी, पूजा टेलर बी, सीमा बी। ए और बी में कन्फ्यूजन हो गए भाई, ए और बी में छोरे फंस गए, ए और बी में फंस गए भाई। हाँ हाँ, ए और बी, इसके अलावा कोई उत्तर ही नहीं आ रहा। ठीक है भाई, इसका उत्तर क्या है? कश्मीर। ठीक है, इसको जो जिसने चलाया था, इसका प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक का नाम है नूरुद्दीन ऋषि। क्या नाम है? नूरुद्दीन ऋषि। और ये किससे प्रभावित था? ये प्रभावित था कश्मीर की एक शैव महिला संत है, कश्मीर की शैव महिला संत, नाम है उसका लल्ला योगेश्वरी देवी। ठीक है, इसकी दरगाह कहलाती थी चरार ए शरीफ। चरार ए शरीफ क्या थी इसकी दरगाह? अब चूंकि एक हिंदू से प्रभावित है, इस कारण से इस चरार ए शरीफ को आतंकवादियों ने आग लगा दी, आतंकवादियों ने इसे जला दिया। ठीक है भाई, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? कश्मीर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न, अबका मिथिलेश शर्मा, हाँ वो मेवाड़ी है जो निकल जाती है। हाँ भाई बताएं, सुमेलिखित कीजिए भाई, एक तरफ संत और एक तरफ उनकी उपाधियां। हाँ भाई, हाँ शेव महिला लाला से, लाला नहीं लल्ला, लल्ला योगेश्वरी देवी। रेखा शर्मा भी मिला भी लिया, आने दे उत्तर, आने दे, कहां फंस गए? एक तरफ चार संत है, एक तरफ उनकी उपाधियां हैं। एक कक्षा कैसी लगे वो भी बताते रहा करो। मुकेश चरण बी, सिम्मी डोडिया बी, मेना बी, प्रिया बी, प्रियंका डी, विश्वेश्वरी जोशी बी, पूजा टेलर बी, पूजा टेलर बी, दीपक शर्मा बी। सर मेवाड़ी चलने दिया करो, कभी कभी अपनत्व का एहसास होता है। मिथिलेश जी मेवाड़ी चलने देते, कभी आना भारत एकेडमी पर। मैं तो क्लास में हिंदी का प्रयोग भी बहुत कम करता हूँ, मैं तो पढ़ाता ही मेवाड़ी में हूँ, लेकिन यहाँ मेवाड़ी में पढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाड़मेर, बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, इनके बच्चे जुड़े हुए हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? वो इस लैपटॉप के अंदर से पत्थर फेंकेंगे हमारे ऊपर, बोले मार साहब कदाने खई पढ़ारिया, मान तो हण बण कर दीदा, डापा चूक कर दीदा, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर क्या होगा भाई? देखो मैंने कहा था ये ऐसे प्रश्न होते ना, इनको सही करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान, क्योंकि चार में से एक आना चाहिए, दो आने चाहिए, उत्तर मिल जाएगा। जैसे चैतन्य की उपाधि क्या है? गौरांग महाप्रभु। अब देखो भाई, दूसरे में दो कहां रहा है कि मार साहब, दूसरे में दो तो ये रहा,
दूसरे में दो ही है क्या? सॉरी सॉरी, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, ठीक है, दूसरे में दो, दूसरे में दो, ये देखो दो आ रहा है, दो जगह आ रहा है। अब क्या करें? बोले सर अब तो आगे आना चाहिए। ठीक है भाई, रैदास को क्या कहते हैं? संतों का संत कहते हैं। क्यों कहते हैं? किसने कहा? तो रैदास को संतों का संत कहा था कबीर ने, कबीरदास जी ने। क्यों कहा? कि भाई रैदास जी को जब एक मरे हुए आदमी के मुंह में गंगाजल उड़ेलने के लिए गंगाजल लेने भेजा गया तो रैदास जी गए गंगाजल लेने, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उसके घर के बाहर एक गधा मरा था, तो उन्होंने क्या किया? हाँ, एक मिनट बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, दिख तो रही है, थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत हो गई, कोई वायर हिल गया दिखे शायद, काफी सारे ताम तिमड़े फैले हुए यहाँ पर इसलिए। तो उन्होंने गंगाजल उड़ेल दिया तो उन्होंने कहा कि रैदास तू संत नहीं है, तू तो क्या है? संतों का संत है। तू तो क्या है? संतों का संत है। अब देखो भाई कि सी में एक कहाँ आ रहा है? सी में एक योर्यमान साहब, तो ये उत्तर है इसका। अब पहले में क्या है? तीन। वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? जगत गुरु और महा, और शंकराचार्य को क्या कहेंगे? परमहंस कहेंगे। आवाज सही नहीं आ रही क्या? एक बार सभी को आवाज सही नहीं आ रही क्या? बता दे सर, एड होगा सर, डी होगा। हाँ बिल्कुल सर, आपकी क्लास हमारे लिए रामबाण सिद्ध होगी, बिल्कुल मिथिलेश जी, बिल्कुल। आप लोगों का स्नेह रहा तो काफी कुछ करेंगे आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बताएं भाई, बताएं क्या होगा इसका उत्तर, बताएं। हो गया इसका उत्तर? तो आवाज आ रही है भाई सभी को? एक बार सभी बता दे भाई, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे यार पानी पी लेना। आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर सही आ रही है। ठीक है ठीक है, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सूरदास के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है भाई, करो भाई विचार। सूरदास के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। सूरदास भक्ति आंदोलन की सगुण अवधारणा के कवि हैं, कृष्ण मार्गी हैं। सूरदास अपने गुरु वल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जांच भी कहा जाता है। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सत्य हैं बताएं भाई। अब देखो इसमें सूरदास लगभग पूरा कंप्लीट हो जाता है, प्रश्न नहीं है ये, पूरा सूरदास निपट गया आपका। द को लोक करो सर। ठीक है भाई मधु जी, पंकज कुमार डी, पूजा जी डी, सर आवाज फुल आ रही है। चाल बदो, जनकार उठवा दो। ठीक है भाई, जनकार उठेगी अब, फिर तुम हनबन तो नहीं होगे ना, हनबन ढापा चूक। हाँ भाई सबका उत्तर आ गया, भाई सबका उत्तर आ गया, ये सभी। देखो सबसे पहली बात, सूरदास जन्म से अंधे, जन्म से क्या है? अंधे, लेकिन फिर भी सगुण है। जन्म से अंधे फिर भी क्या है? सगुण। गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। इनको क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग का क्या कहते हैं? जहां, जबकि पुष्टि मार्ग चलाया किसने? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य, प्रवर्तक है ये। ठीक है, और सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, ये तीनों इसकी रचना है, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त तो सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे भाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संतों पर विचार कीजिए भाई, करो विचार। दादू दयाल, गुरु नानक और तुलसीदास, उपरोक्त में से कौन उस समय उपदेश देता था जिस समय लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ? आपने सीधे प्रश्न बहुत देखे होंगे, विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया, शुद्धाद्वैतवाद किसने दिया, किसके गुरु का नाम क्या है, किसके बचपन का नाम क्या है, ऐसे प्रश्नों का समय चला गया, ऐसे प्रश्नों का समय चला गया। आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं, बताएं भाई कि वो कौन सा संत है जो उस समय उपदेश देता था जिस समय लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ? बोले मार साहब ये तो सुने नहीं आज तक, ए और बी दोनों। मिथिलेश जी डी फाइनल है सर? अच्छा डी फाइनल है,
अच्छा आने दे उत्तर आने दे। मधु खींची डी, चर्चा कर लेते। अभी आपका उत्तर आप खुद ही बताओगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बताओगे। कौन से वंश का पतन हुआ? लोदी वंश का। और सत्तारूढ़ कौन हो रहा है? बाबर। यानी कि कौन सा वंश है? मुगल वंश। लोदी वंश का समय माना जाता है 1451 से 1526, और मुगल काल का समय माना जाता है 1526 से लगा करके 1707। बाद में जो मुगल हुए उनको परवर्ती या उत्तरवर्ती मुगल शासक कहते हैं। इसमें देखो तीन युद्ध पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पानीपत। पानीपत के तीन युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और किस किस के मध्य? बाबर के मध्य। इसमें यह मारा गया, यह युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला सल्तनत काल का पहला शासक है, केवल सल्तनत काल का। यह जीता तो इसका मतलब कौन से वंश का पतन हुआ? लोदी वंश का पतन हुआ। और कौन सत्तारूढ़ हुआ? बाबर सत्तारूढ़ हुआ। सन क्या आ रहा है? 1526 आ रहा है ना। दूसरा अकबर वर्सेज हेमू, ये अंतिम विक्रमादित्य, ये मारा गया। और तीसरा एक तरफ तो है अहमद शाह अब्दाली, अभी मूवी भी बनी थी पानीपत तृतीय, अहमद शाह अब्दाली और मराठे, और मराठों का नेतृत्व कर रहा कौन? सदाशिव राव भाऊ, ये मारा गया। इसी युद्ध के बारे में बोलते हैं कि यह एक ऐसा युद्ध है, 1530 में तो बाबर मारा गया था, ठीक है, मैं 1526 बता रहा हूं। बाबर का जो कार्यक्रम माना जाता है 1526 से 1530 है, बिल्कुल सही है। इस तृतीय युद्ध के बारे में कहते हैं कि यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें महाराष्ट्र के प्रत्येक परिवार का कोई ना कोई मरा। ये अब आया उत्तर सर, मधु खींची ने बोला है तुलसीदास अकबर और दादू अकबर, बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया आंसर आपका। और फिर अपन यहां पर एक युद्ध की और बात कर लेते हैं, वो भी तीन ही हुए थे, तराई 1191 और 1215, ये भी तीन है, पहला दूसरा और तीसरा। एक तरफ तो कौन हो जाएगा? एक तरफ हो जाएगा सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और एक तरफ हो जाएगा पृथ्वीराज तीसरा, ये जीता और यहां ये हारेगा, ठीक है। 1215 में जो युद्ध हुआ था, एक तरफ तो होगा इल्तुतमिश और एक तरफ हो जाएगा ताजुद्दीन यल्दोज, समझ गए? अब देखो आप, दादू दयाल अकबर इन्हें बुलाएगा फतेहपुर सीकरी, तो इसका मतलब ये किसके समकालीन है? अकबर के। तुलसीदास मैंने पहले ही बताया अकबर के समकालीन है, लेकिन आईने अकबरी में क्या नहीं, इनका उल्लेख नहीं है। गुरु नानक जन्म 1469, तो इस समय कौन भाषण दे रहा था? केवल और केवल बी, ठीक है। अगला प्रश्न, भक्ति संतों की आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया। देखो इस प्रश्न को समझना थोड़ा, है ना, इस प्रश्न को थोड़ा सा आप समझना कि भाई भक्ति आंदोलन के जितने भी संत हुए उन्होंने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को क्या बनाया, इन्होंने माध्यम बनाया, ये क्या है? कथन है, और ये है उसका कारण। कारण क्या है कि उनके समय में राजकीय भाषा फारसी थी। सॉरी सर गलत हो गया मेरे से, कोई बात नहीं मिथिलेश जी। तो क्या कथन और कारण दोनों सही है? क्या कथन कारण की सही व्याख्या करता है? जल्दी उत्तर दें, आज थोड़ा मोड़ो हो गयो, पांचोला मार साहब गड़ा काटी मैंने, कैसर मां के घर जब हम लेट होगी, बताओ भाई। क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया कारण कि उनके समय में राजकीय भाषा फारसी थी, उत्तर आने दे। क्या हो गया, शांत हो गए आप लोग तो बिल्कुल ही। मेना बी, मिथिलेश जी ए,
उत्तर कम आ रहे हैं, मतलब फंस गए। देखो ये बात एकदम सही है, यानी कि कथन तो सही है, कथन सही है, इसका मतलब देखो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और ए सही है, मतलब ये तो कलकुल मिलाकर के होगा ही नहीं। अब कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। स्थानीय भाषा में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया था, इसका कारण था कि जनता को आसानी से समझ में आए, जनता को प्रभावित कर पाए। अगर कारण ये होता, अगर कारण ये होता तो फिर कथन और कारण दोनों सही होते। हालांकि ये कथन भी सही है कि उनके समय में राजकीय भाषा फारसी थी, ये कथन भी सही है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की ठीक व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, रेखा शर्मा सी गलत है बेटा। अगला, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलिखित नहीं है, कौन सा युग्म जो है वो क्या नहीं है, सुमेलिखित नहीं है। रेदास निर्गुण, नानक निर्गुण, सूरदास सगुण और पीपा सगुण। बड़े क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है, बिल्कुल सिमी जी मानते हैं टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका सिंबल में दिख रहा है, हाँ खुशी के आंसू आ रहे हैं आपके। तो बताएं कौन सा सुमेलिखित नहीं है, रेदास निर्गुण, नानक निर्गुण, सूरदास सगुण, पीपा सगुण। लीला खटीक बी, आने दे आने दे आने दे, खुशी वैष्णव डी, पंकज डी, नेहा डी, आ गया भाई उत्तर आ गया। देखो रेदास शिष्य हैं किसके, रामानंद के, और रामानंद है सगुण। गुरु के विपरीत तो चेला जाएगा ही जाएगा ना, क्योंकि गुरु तो गुड़ है और चेला तो चीनी है ना, आप लोग भी जाओगे हमारे विरुद्ध कभी ना कभी। ये सगुण है और ये निर्गुण है, ठीक है। फिर इनकी शिष्या हुई मीरा, और मीरा फिर सगुण है, मीरा क्या है फिर सगुण है। पीपा भी किसके शिष्य हैं, रामानंद के, राजपूत है ये। अब ये मैंने बताया रामानंद कौन है, सगुण, और यहां पर पीपा क्या है, सगुण, जबकि पीपा सगुण नहीं होकर के पीपा कौन है, निर्गुण है। रेदास निर्गुण है, नानक भी निर्गुण है, और सूरदास कैसे हैं, सगुण है, ठीक है। अगला, सही कालक्रम लगाइए, अब गलत नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, अभी बता के गया हूं मैं आप लोगों को, सही कालक्रम बताना आपको। दो बादर होता यार, सही कालक्रम बताओ भाई, ऑप्शन बताएं भाई, ए बी सी डी क्या होगा इसका ऑप्शन। गलत नहीं होना चाहिए, डी के तेली बी, नानक अंगद अमरदास रो रामदास अर्जुन हर गोविंद हर राय हर किशन तेग बहादुर गोविंद। नानक अंगद अमरदास रो, नानक अंगद अमरदास रो रामदास अर्जुन हर गोविंद हर राय हर किशन तेग बहादुर गोविंद। तो क्या हो जाएगा, एक तीन एक दो चार, तीन एक दो चार, दोनों में एक ही ऑप्शन है। अच्छा दोनों में कहां आ रहा बेटा, दोनों में एक ऑप्शन, अच्छा ये क्या, अच्छा कोई बात नहीं, ये तो आप ही समझ लो यार, ये सी है ये डी है, ये तो कॉमन सेंस है, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हमारे टाइपिस्ट महोदय हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। अमर भक्त कवियत्री मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, वह राठौड़ वंश की राजकुमारी थी, बताएं भाई। उन्होंने पहले जीव गोस्वामी से शिक्षा ली थी, वह निर्गुण भक्त कवियत्री थी, वह कृष्ण मार्ग को या कृष्ण को अपना पति मानती थी। रेखा शर्मा सी, रेखा शर्मा सी, आगे कांत अटाक सी, नमस्कार रमेश जी, नमस्कार नमस्कार पंकज जी, सी सी फाइनल है सर, नमस्कार, अरे नमस्कार नमस्कार, अरे नमस्कार, अरे बस करो बस करो बस करो बस करो, हो गया नमस्कार। हाँ भाई ठीक है, भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो क्या है,
निर्गुण भक्त कवियत्री नहीं थी, वो क्या थी? सगुण थी। कैसे? राठौड़ वंश की राजकुमारी है, पिता का नाम रतन सिंह राठौड़, दादा का नाम दूदा, फिर जीव गोस्वामी से शिक्षा लेती पहली, उसके बाद में गुरु आते हैं रैदास, ये सेकंड गुरु, तीन चार गुरु आते हैं इनके। कृष्ण को अपना पति बिल्कुल माधुर्य भाव से, भक्ति थी इनकी माधुर्य, तो माधुर्य भाव की क्या हो जाएगी, इनकी भक्ति हो जाएगी। तो तीन सही और एक गलत है, कौन सा? सी। आज का अंतिम प्रश्न, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ? गलत मत बताना, अब पूरा पढ़ा दिया मैंने। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ? सिम्मी जी सी, हाँ भाई बताएं। रणवीर सिंह डी, गुड टीचिंग सर, धन्यवाद सीमा जी, धन्यवाद। हाँ ऐसे बताते रहा करें कि क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि अभिप्रेरणा बहुत आवश्यक होती है, मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है आपको भी और हमको भी। जैसे भूख लगती है तो खाना कोई सामने लाता है कितना अच्छा लगता है ना, बस वही बात है। बताते रहा करें क्लास कैसी है। आगे आपका उत्तर लगभग का सभी का उत्तर आ गया, 1469। और कहाँ हुआ था ये जन्म? ये जन्म हुआ था कहाँ पर? तलवंडी पाकिस्तान में। इसको पूरा समझना हो तो मैंने पूरा का पूरा सिक्स सुधार आंदोलन वहां पढ़ा दिया था। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बताते रहा करें क्लास कैसी लगी आपको, है ना, धन्यवाद आप सभी का। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। साथियों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेस की जो प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चल रही है उसमें मैं आचार्य इमराज सिंह राठौड़ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि आज का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण रहा है, कौन सा है? संधि प्रकरण। कल अपन ने बात करी तो बिल्कुल बिल्कुल, सभी को प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार सभी को। तो संधि प्रकरण है, इसमें से दो प्रश्न आपको रिट में पूछे जाने वाले हैं, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो। ध्यान करना, संधि है अपने तीनों संध्या है, बिल्कुल बिल्कुल सभी को हरिओम, नमस्कार, प्रणाम, ठीक है, शुभ रात्रि। तो
ध्यान में रखना, आपको प्रश्न दो रहने वाले संधि के आपके। अधिकांश आपने देखा होगा, प्रश्न पत्र को देखा होगा, रीट का दो बार आयोजन हुआ 2015 और 17, उसमें केवल स्वर संध्या ही पूछी थी। कौन सी स्वर संध्या? मैंने पहले भी पूर्व में बताया था आपको, अधिकांश आपको स्वर संध्या करनी है, क्योंकि इतना लेवल नहीं, कितना स्तर नहीं है रीट के लिए जो आपको इतना क्लिष्ट पूछे। बाकी स्वर भी है, व्यंजन भी है, विसर्ग भी है, ठीक है ना। तो अधिकांश आप ध्यान रखें स्वर संध्या, ठीक है। बाकी अपवाद वगैरह कुछ पूछा जाएगा नहीं आपको, बिल्कुल बिल्कुल। सभी को शुभ सायं, नमो नमः, नमो नमः। तो साथियों प्रारंभ करते हैं आज के अपने प्रश्नोत्तर के श्रृंखला में, ठीक है। प्रकरण है अपना कौन सा? संधि। प्रश्न क्रमांक एक, पहला प्रश्न आपके समक्ष है, सेयम इति पदस्य संधि विच्छेद भवति। सेयम इति पदस्य संधि विच्छेद भवति। हाँ, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार जी। कमलेश जाट, सिमी जी, अभियंता जी पोरवाल, आशु जी आर्य, खुशी जी वैष्णव, राजकेश शर्मा जी, सभी को शुभ सायं, सभी को नमस्कार, नमो नमः सभी को। उत्तर प्रदान करिएगा, सेयम इति पदस्य संधि विच्छेद भवति। हेमंत जी स्वागत आपका भी, नमस्कार आपको भी। सेयम इति पदस्य संधि विच्छेद भवति। एक बार तुरंत आपको कम समय लगेगा, अधिक से अधिक मित्रों को आप जोड़ देंगे इस प्रश्नोत्तरी कक्षा में। अधिक से अधिक आप इस कक्षा को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कक्षा कैसी लग रही है, ठीक है ना साथियों। हाँ जी, पंकज कुमार जी का उत्तर आ गया जी, बी। पूजा जी टेलर, डी। समय बहुत लगा आज आपको उत्तर प्रदान करने में। मैना जी का सी, गणेश जी शर्मा बी, विश्वेश्वरी जोशी बी। हाँ गुड इवनिंग मधु जी, शुभ शाम में आपको भी। रणवीर जी डी, रेखा जी शर्मा सी, हेमंत जी सुकवाल बी, रेखा जी दिनकर बी, पूजा जी टेलर बी। आज काफी मंद गति से आपके उत्तर प्रदान हो रहे हैं। सपना जी बी, कमले जी सरगरा सी, प्रियंका जी उपाध्याय बी, रेखा जी व्यास बी, खुशबी शर्मा नमस्ते दीदी नमस्ते, रिंकू जी बिलाई नमस्ते, सभी को शुभ सायं, ठीक है। देखते हैं क्या पूछा था आपको, कि सेयम क्या था? सेयम इस पद का संधि विच्छेद होता है। बात करते हैं सेयम, अब ध्यान रखना एक की मात्रा आ रही है, किसकी आ रही है साथियों? यहां पे एक की। तो जहां ए ओ अर और अल, ए ओ अर अल जहां होता है तो वहां संधि होती है आपके कौन सी? गुण। देखिएगा बात करते हैं संयम, अब यहां बन रहा ना दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं ना, है ना, पर सन्निकर्ष संहिता संधि, ठीक है। तो संयम यहां अपनी संधि बन रही है क्योंकि ये यहां पे बन रहा है आपका, ठीक है। तो सहधन इयम होता ही नहीं आपका क्योंकि विसर्ग आ रही है इसमें, ए बन रहा है तो स्वर में आपका ए बनेगा तो विसर्ग आएगी नहीं। सहधन इयम ऐसा कभी होता ही नहीं है, सह होता है, सहकाट होता है वह, साधन अयम आ और ऐसे कोई दीर्घ संधि होनी चाहिए थी तो आ ई उ री होना चाहिए था, और साधन इयम क्या है साथियों? सा धन इयम, सा यानी वह स्त्रीलिंग में, इयम यानी यह। तो देखिएगा यहां स था, स से क्या निकला? आ, फिर क्या है? इयम, और दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं, ये पूर्व पद ये पर पद, तो दो वर्णों में ही संधि होगी ना, केवल दो वर्ण मिलेंगे। तो आ और ई, आ और ई से बनेगा आपके ए, ठीक है। स ए में गया तो बना आपका से, और शेष क्या रहा? यम, से यम यानी सा यानी वह और इयम यानी यह, तो संधि हो जाएगी कौन सी? आपके गुण संधि। कौन संधि है? गुण संधि। तो याद रखना आपको गुण संधि में यदि अ अथवा आ के पश्चात, यदि अ अथवा आ के पश्चात ई या ई होगा तो उसका बनेगा आपका ए, और यदि अ अथवा आ के पश्चात क्या हो? ऊ या ऊ हो तो उसका बनता है आपके ओ, तो ए ओ, और री री होगा तो अर बनेगा, और लरी होगा तो उसका अल बनेगा। तो ए ओ अर अल, और यहां ए आ रहा था तो यहां से अपने तोड़ा सा क्योंकि यही बनेगा, ठीक है। तो संधि होगी अपने गुण, बिल्कुल बिल्कुल लेखरा जी बिल्कुल। अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक इस लिंक को आप शेयर करें, अधिक से अधिक मित्रों को जोड़िएगा। हाँ नमो नमः पवन कुमार जी, नमो नमः, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न क्रमांक दो, गुरुवादेश, गुरुवादेश इति पदे कह संधि। हाँ थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी थी उसमें, क्योंकि गुण बन रही थी तो विसर्ग आएगी नहीं, और होता है मूलतः संस्कृत में शह होता है ना, तो गुण संधि होगी पहले में। तो ए आके पश्चात ई होगा तो ए, ऊ होगा तो ओ, री री होगा तो अर, अल री होगा तो अल, वो उरण और सूत्र से हो जाएगा आपके। हाँ सिमी जी का उत्तर आया पहले में डी, सिमी जी दूसरे में बताइएगा आप। कल्पना जी दी का आ गया है दूसरे में सी, रणवीर सिंह राठौर सी, मैना जी डी, लेखरा जी मीना सी, राघो जी कटिक स,
बहुत आसान प्रश्न है। लेखा जी मीना सी, रेखा जी व्यास डी, खुशबू जी शर्मा सी, रणवीर सिंह सी, रिंकू जी बालाई सी, सीमा जी माली सी, राघव जी श, मीना जी श, रेखा जी जिनगर सी, सभी का सी सी आया है। परमेश्वर जी बालाई सी, बिल्कुल प्रियंका जी कुमावत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखेगा क्या कहा इसने, गुरुआदेश, गुरुआदेश इति पदे का संधि, गुरुआदेश इस पद में कौन सी संधि है, साथ तो ध्यान में रखना गुरुवा, ठीक है। तो गुरु, गुरु होता है मूल, गुरुवा, गुरुवा, तो कहने का मतलब यहां आपका हो रहा है गुरु और आदेश है, गुरु धन आदेश है बराबर गुरुआदेश है। उका हो जाएगा वह, उका क्या हो जाएगा वह, और वह हमें मिलेगा तो वह गुरुआदेश है। तो संधि है आपके कौन सी, यहां पे यण संधि, और सभी ने से बताया। देखेगा गुरु धन आदेश है, तो याद रखना कहीं आपके आधा वर्ण हो, आधा वर्ण हो और उसके पश्चात य व र ल वर्ण रहे ना, तो वहां प्राय अधिकांश अधिकतर यण संधि होती है। आधा वर्ण हो और उसके बाद में य व र ल, अब देखेगा अगर संधि विच्छेद करना ना, जो आधा वर्ण उसको लिख दो, तो देखेगा यहाँ र ऊपर आ रहा है आधा, रकार यहाँ आ रहा, ऊपर आधा आ रहा है, ठीक है, और र के बाद में क्या आ रहा है वह आ रहा है, मतलब पहले गुरु र पहले देगा, ठीक है, र के बाद में क्या आ रहा है वह आ रहा है, तो अपन ने कहा आधा वर्ण, तो आधा हो गया, तो उस आधे वर्ण को लिख दो, तो देखेगा गु और ये आधा, ठीक है, हो गया। जहां आधा वर्ण है वहां से तोड़ दो, तो गु आधा है तो अपन ने कर दिया। फिर आगे देखना आगे क्या है, वह है, तो जो आधा वर्ण है ना उसमें जोड़ दो, क्या जोड़ना अपन को वह को, तो क्या हो गया गु रु, यालंधर जाएगा आधा वर्ण था जो, ठीक है। फिर आगे शेष ध्वनि किसकी रही, गु व आदेश, तो क्या रहा आदेश, तो कौन संधि होगी गुरु आदेश, यानी गुरु धन आदेश, ठीक है। पूरा देखें तो गु र उ है ना, और आदेश, और उ का हो जाएगा आपके व, क्या हो जाएगा व, तो क्या हो गया गुरु व, और वह किसमें जाएगा आमे, तो क्या हो गया गुरु आदेश। तो संधि कौन सी है, यण संधि, एक स्थान है यण स्यात अच्छी परे, एक के स्थान पर क्या होता है यण आदेश होता है, यानी कि किसके स्थान पे, एक के स्थान पे कौन सा आदेश होता है यण आदेश होता है। एक प्रत्यार है, एक क्या है प्रत्यार, वर्ण होते हैं ई उ री और लरी, और यण प्रत्यार में वर्ण आते य व र और ल, तो किसका एक के स्थान पे कौन सा आदेश होता है यण, यानी ई उ री लरी, इनका दीर्घ भी हो सकता है, कौन सा हो सकता है दीर्घ, यानी दीर्घ ई भी हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, दीर्घ री हो सकता है, लरी का दीर्घ नहीं होता है। तो ई का तो यह उ का व, री का र और लरी का ल, तो अपना यहाँ उ था गुरु, तो उ का हो गया वह, तो संधि हो गई अपने कौन सी यण संधि, ठीक है साथियों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत है, आप सभी को धन्यवाद जी, धन्यवाद, राम राम। बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 3, कस्मिन पदे वृद्धि संधि अस्ति, थोड़ा ये प्रश्न आपके स्तर के हिसाब से क्लिष्ट है, बाकी फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है, परंतु मैंने कहा ना रिट का आपका स्तर है, अधिकांश आपको स्वर संधि ही पूछेगा, केवल एक उदाहरण पूछा था आपको जिसमें पूर्व रूप भी थी, पूर्व भी थी, उत्व भी थी, शक्लहदन अपि, शक्लहदन अपि, शक्लो अपि, ये उदाहरण पूछा था, केवल पूर्व रूप में भी आता है इसलिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कमलेश जी प्रणाम प्रणाम, ठीक है। तो कस्मिन पदे वृद्धि संधि अस्ति, किस पद में वृद्धि संधि है, उत्तर आया जी रणवीर जी का सी, कल्पना जी बी, प्रियंका जी सी, हाँ बी सी ए सभी का गया अलग अलग, कमलेश जी सी, पूजा जी कुमावत सी, रिंकू जी बालाई सी, प्रियंका जी उपाध्याय सी, आमिन जी मेवाती सी, लेखरा जी मीना सी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभी का सहसा उत्तर आया था। देखेगा इसने क्या कहा, प्रश्न कह रहा है कि किस पद में वृद्धि संधि है, ठीक है। अपन ने पढ़ा कि दो मात्रा वाली वृद्धि संधि होती है, बिल्कुल सही है, सचित, यहाँ संधि हो जाएगा आपके सत धन चित्त, ठीक है, स्तो सुनास्तु से स्तुत हो जाएगी, ठीक है। फिर उपार्क्षति, ठीक है, एक सर्वेरपि, अपन ने यहाँ देख रहे हैं सी सी, बिल्कुल अधिकांश सी आया था और सभी के गलत था साथियों, यहाँ इसका संधि विच्छेद करते हैं ना, तो संधि विच्छेद होता है सर्वे धन अपि, सभी के द्वारा भी, क्योंकि आपने रट रखा है कि दो मात्रा आती है वहां वृद्धि संधि होती है, दो मात्रा आती है वहां वृद्धि संधि होती है, परंतु अगर विसर्ग आए दो मात्रा है तो वृद्धि संधि नहीं होगी, वो स्वर में होती है, किसमें होती है स्वर में। तो यहाँ सर्वे, तृतीय का बहुवचन है, सर्व शब्द है पुल्लिंग में, सर्वे यानी सभी के द्वारा, अपी यानी बी, विसर्ग का बनेगा र और र जाएगा अमे, तो क्या हो जाएगा रपि, क्या बन गया सर्वे रपि। तो यहाँ संधि हो रही है आपके कौन सी, रुत्व विसर्ग, कौन संधि हो रही है यहाँ पे, रुत्व विसर्ग यानी विसर्ग का र बना, और रमाधन ईश, क्या है रमाधन ईश, यानी रमा का ईश्वर,
आ और इसे गुण संधि हो जाएगी क्योंकि ए आ रहा है। और उपार्थति, ये जो उदाहरण है ना देखिएगा, उपार्थति की बात करते हैं, उप उपसर्ग है और रिच्छति, उपधन है रिच्छति, यही है ठीक है। यहां उप क्या है, उपसर्ग है, उप क्या है, उपसर्ग है और रिच्छति क्रियापद आधार धातु, क्रियाधार्थ धातु। तो अपन का एक नियम है उपसर्गाद्रति धातु, उपसर्गाद्रति धातु यानी कि अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात, उपसर्ग हो कौन सा, अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात रिकार से, किससे, रिकार से, अर्थात अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात रि से प्रारंभ होने वाली कोई सी भी धातु हो तो वहां वृद्धि आदेश होता है, यानी कि अ और रि से, किससे, अ और रि से क्या आदेश हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा आपके आर, अर आदेश गुणादेश होता है, अ और रि से अर होता है गुण, ठीक है, अ और रि से या वृद्धि आदेश, ये कौन सा आदेश हुआ साथियों आपका, वृद्धि आदेश हो जाएगा आर, ठीक है। तो देखेगा उप, उप उपसर्ग है, क्या निकला अ, फिर क्या है रि और क्षति, तो यह अवर्णांत उपसर्ग था, फिर रि से प्रारंभ वाली धातु थी, दोनों का कौन सा आदेश हो जाएगा, वृद्धि आदेश, क्या हो जाएगा आर, ठीक है। पादान है तो अम मिलेगा स्वर था, तो क्या हो गया उपा, फिर क्या है रादय, ठीक है उपार क्षति, क्या हो गया उपार क्षति, यानी कि कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, उपधन रीर क्षति, एक मिनट सॉरी थोड़ा इसको सही करना आप, ये ऊपर जो हलन था ना ये नहीं आएगा आपके, उपधन रिच्छति, थोड़ा सही करना, उपधन रिच्छति यानी क्रियापद है रिच धातु है, कौन सा धातु है रिच धातु, हलन लग जाएगा उपधन रिच्छति क्योंकि आर आदेश हुआ तो इस हिसाब से हुआ, तो उपधन रिच्छति, तो रिच्छति हाँ रि को आर हुआ, बिल्कुल जी बिल्कुल कल्पना जी बिल्कुल, वृद्धि आदेश हुआ जी है ना, रि का कौन सा आदेश हुआ आर, यानी रिच धातु का अर्थ होता है जाना, उपार्थति का मतलब समीप जाता है, उपार्थति का अर्थ क्या होता है समीप जाता है, तो यहाँ आर आदेश हुआ ठीक है, तो ये किसमें मिल जाएगा आपके आर रादा था तो ये रा इसमें आ गया, तो रिच्छति क्या क्रियापद, तो ये हो आपका वृद्धि, यानी कि याद रखना अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात, अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात रिकार से प्रारंभ होने वाली कोई सी भी धातु हो तो उसका वृद्धि आदेश होता है ठीक है। यह है आपका इसे फर्स्ट ग्रेड लेवल का है आपके ठीक है। प्रश्न क्रमांक चार, पतंजलि, पतंजलि इति पदे कह संधि, साथियों अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ दीजिएगा आप है ना, लाइक करें कमेंट्स करें शेयर करें, पतंजलि इति पदे कह संधि, पतंजलि इति पदे कह संधि, बिल्कुल बिल्कुल विश्वास जी उपसर्गा धरती दाता हूँ, कल्पना जी का आया है जी चौथे में डी, रूपा जी शर्मा चौथे में क्या दिया एफ 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 विकल्प में ही नहीं आया, मैना जी डी, पवन कुमार जी लड्डा डी, रूपा जी शर्मा डी, रेखा जी शर्मा डी, कल्पना जी कटिक डी, सीमा जी डी, खुशी जी वैष्णव डी, खुशबू जी शर्मा डी, रिंकू जी बालाई डी, लेखा जी मीना डी, रेखा जी शर्मा डी, पंकज कुमार जी डी, पूजा जी कुमार डी, हेमंत जी शुक्वाल डी, सभी का डी डी आया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, इस प्रकार एक उत्तर आपका मिले तो बड़ा आनंद आता है। देखिएगा क्या कहा इसने, पतंजलि, पतंजलि ऐसे पद में संधि कौन सी है, पतंजलि ऐसे पद में संधि कौन सी है ठीक है। देखिएगा बात करते हैं अपन संधि विच्छेद की, तो संधि विच्छेद होता पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि ठीक है। तो कहने वाला विषय पूछा कि इस पद में संधि कौन सी है, तो जस्त्व नहीं है, जलाम जसो अंते, पूर्व रूप नहीं है, जस्त्व कब होती है, जलाम जसो अंते यानी जल प्रत्यार वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा श श श के पश्चात है ना, कोई भी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हय वर ल होता है तो वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलती है तो होती है जस्त्व आपकी, पूर्व रूप भी नहीं होती है, ए ओ के बाद में अ होता तो अवग्रह में बदलता है, स्तोश्चुनाश्चु, तो संधि है यहाँ पे कौन सी आपके, संधि है आपके यहाँ पे पर रूप संधि, कैसे संधि चौथा पद तदन अंजलि ठीक है। एक सूत्र आपका सकंदवाधीशु पररूपम वाच्यम, कल्पना जी कटिंग ने बताया बिल्कुल सही है, सकंदवाधीशु पररूपम वाच्यम यानी सकंदु आदि का पररूप आदेश होता है, यानी सकंदु करकंदु मनीषा मार्तंड पतंजलि ये सब जो शब्द है उनका कौन सी संज्ञा होती है, टी संज्ञा, कौन संज्ञा होती है जी, टी संज्ञा, टी संज्ञा का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं देखिएगा, अंतिम स्वर सहित, क्या है अंतिम स्वर सहित, अंतिम स्वर सहित अगला अंश, ये टी संज्ञा होती है, अंतिम स्वर सहित अगला अंश।
देखिएगा अंतिम स्वर क्या है, जैसे अपन बात करते हैं पतत, इसमें अंतिम स्वर कहाँ आ रहा है, पत, यहाँ के पैसे निकला, तैसे भी निकला, त अंत आ गया, तो प त, तैसे क्या निकला आपके, जैसे अपन पूरा लिख देते हैं, देखिए प त, फिर क्या निकला अ और त, फिर है आपका अंजलि, ठीक है, है ना, सकंदादि से पूर्वपम वाच्यम पूरा सूत्र, इतना अपन यहाँ नहीं बता पाएंगे। अब यहाँ अंतिम स्वर कौन सा है, ए, क्योंकि तैसे है, क्योंकि पैसे भी है नहीं, अपन लिखा कि टी संख्या क्या होती है, अंतिम स्वर, तो अंतिम स्वर क्या है, और सहित अगला अंश, अगर अगला अंश है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है, तो यहाँ तक आ गया, तो ये अत क्या है आपका, टी संज्ञा, क्या हो गया ये, टी संज्ञा, ठीक है, तो यहाँ इसकी क्या हो जाएगी आपका, लोप कर जाएगा टी संज्ञा का, तो प त, ठीक है, पतत और अंजलि, तो कहने का मतलब त आधा है और आगे ए क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, ठीक है, तो त किसे मिलेगा, एम में, तो प त क्या हो गया साथियों, पूरा, और शेष क्या रहा, अंजलि, तो क्या हो गया, पतंजलि, तो ध्यान में रहेगा आपका, है ना, यानी कि टी संज्ञा इनका हटाना है आपको, ठीक है, यानी कि अंतिम स्वर से अगला अंश क्या होता है, टी संज्ञा, तो संधि कौन सी थी, पररूप, इसका सूत्र सकंदवादीसु पररूपम वाचम, इस सूत्र से हुआ है, यानी सकंदु, सकदनंदु, करकंदु, करकदनंदु, है ना, मनीषा, मार्तंड, पतंजलि, ये जो सारे हैं, हलीशा, ठीक है, कुलटा, ये जो सारे है ना शब्द, इनकी कौन सी संज्ञा होती है, टी संज्ञा, तो वहां संधि हो जाएगी आपके, कौन सी, पररूप संधि, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, उज्ज्वल, उज्ज्वल इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, बिल्कुल बिल्कुल, पवन कुमार जी, पतदन, अंजलि, विश्वेश्वरी जोशी डी, सिमजी डी, बिल्कुल सभी का सही उत्तर आया था, बताइएगा प्रश्न नंबर 5, उज्ज्वल इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, उज्ज्वल इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, स्वागत स्वागत गुरुदेव, स्वागत आपका भी हमारी प्रश्नोत्तरी में, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। कल्पना जी कटिक सी आया है, रूपाजी शर्मा सी, मधु जी किची द, प्रियंका जी कुमावत सी, पवन कुमार जी लड्डा सी, पूजा जी मेवड़ा सी, मैना जी सी, मधु जी किची द, बिल्कुल 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 गुरुदेव, लीला जी कटिक सी, आशू जी सी, दुर्गेश जी सी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी का साधुवाद साधुवाद, बिल्कुल एक ही उत्तर प्रदान हुआ आप सभी का सी। देखिए किसने कहा, उज्ज्वल है, उज्ज्वल इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, उज्ज्वल ऐसे पद का संधि विच्छेद है, क्या पूछा आपको, संधि विच्छेद, मैंने पहले ही कहा कि हमेशा आप संस्कृत में उपसर्ग होता है आपका उद, कौन सा होता है, उद, तो यहां संधि हो जाएगी, आप शुद्ध देखिएगा, संधि विच्छेद की बात करें तो उद धन, उद धन ज्वल है, ज्वल यानी ज्वाला, ठीक है, उद धन ज्वल है, अब देखिएगा फिर द, उसके बाद में जय, तो आपके स्तुत्व संधि होती है, कौन संधि होती है साथियों, स्तुत्व संधि होती है, उसका देखिएगा, स्तो स्तुनास्तु, यानी स्तो स्तुनास्तु, ये सूत्र है उसका, स्तो यानी यहां सकार का अर्थ होता है स, और तो का मतलब होता है त वर्ग, यानी कि त थ द ध न, फिर बाद में क्या है यश्चु, तो यहां स और च का मतलब होता है च वर्ग, कौन सा वर्ग होता है आपका, च वर्ग, ठीक है, यानी स और त वर्ग और चु, तो स्तो स्तुना फिर वापस क्या है स्तु, तो ये कह रहा है यदि स्तो से पहले या बाद में क्या हो स्तु, यदि स्तो से पहले या बाद में भी हो सकता है, बिल्कुल, यदि स्तो से पहले, अब स्तो पूरा लिख देता हूं, देखो स्तो और स्तु, देखिएगा स और त वर्ग, तो का मतलब त वर्ग यानी त थ द ध और न, ठीक है, और फिर क्या है स्तु, तो श और चु का मतलब है च वर्ग, यानी कि च छ ज ज और ये है ना, ध्यान में आया, तो ये कह रहा है यदि स्तो से पहले, पहले भी हो सकता है याद रखना, या बाद में क्या हो स्तु हो, तो स्तो का क्या होता है स्तु, यानी सकार का श तवर का च वर्ग, यानी त का तो च थ का छ ध और ये इस प्रकार हो जाता है, यानी हमेशा याद रखना बदलेगा, बदलेगा कौन सा, हमेशा स्तो ही बदलेगा, चाहे पहले आए चाहे बाद में, याद रखना, तो स्तो से पहले या बाद में क्या हो स्तो हो, तो ध्यान रखना उद, अपना संधि विच्छेद क्या था ना, देखिएगा उद क्या क्या था उद, तो यहां क्या रहा आपका द, ठीक है, तो उद उसके बाद में क्या रहा था ज, क्या रहा था साथियों ज, तो अपन ने कहा ना पहले या बाद में
जो हो सकता है। तो बदलेगा कौन हमेशा, हमेशा बदलेगा कौन, स्तो ही बदलेगा, हमेशा बदलेगा कौन, स्तो में। तो द का क्या हो जाएगा, जय, द का क्या हो जाएगा, जय। तो उ द आधा, तो जय भी क्या हो जाएगा, आधा। उसके बाद क्या है फिर, ज्वल है, क्या है, ज्वल है, ठीक है, बराबर दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल है, उज्ज्वल है यानी चमकीला, प्रकाश, सफेद, उज्ज्वल, ठीक है। तो संधि कौन की, स्टु, उसका स्टुत्व संधि होता ना, स्टुत्व संधि जो होती है वह स्टु का क्या हो जाएगा, स्टु हो जाएगा। तो संधि विच देखेगा उद प्लस ज्वल है या जय पूरा रहता नहीं होगा, उद उपसर्ग होता ही नहीं, उद और ज्वल है, ठीक है, और उत तो उपसर्ग होता ही नहीं। तो उत्तर हो गया अपना कौन सा, सी, बिल्कुल सभी का सही उत्तर प्राप्त हुआ था। देखिए प्रश्न क्रमांक 6, विसर्ग संदेह उदाहरणम अस्ति, विसर्ग संदेह उदाहरणम अस्ति, बिल्कुल जी बिल्कुल, सभी को धन्यवाद। अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ेगा आप, क्योंकि इस प्रश्नोत्तरी से आपके जो प्रकरण है पूरा क्लियर हो रहा है, शार्प हो रहा है। हम प्रयास करते हैं इस प्रश्नोत्तरी में भी आपको बहुत कुछ प्रदान करके जाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मधु जी, वो तो उपसर्ग होता ही नहीं है, इसलिए बाकी जस्ट हो सकती थी, तकादा बन जाता, ठीक है। बताएगा प्रश्न क्रमांक 6 में विसर्ग संदेह उदाहरणम अस्ति, विकल्प से हो जाती है। आगे जी कल्पना जी कटिका आया छठे में ए, नमस्कार नमस्कार शंकर जी, रेखा जी शर्मा जी, साथियों अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ दीजिएगा एक बार आप, है ना, यानी कम से कम आपको पता है लगभग अपना 14 या 13 प्रश्नोत्तरी के एपिसोड हो गए हैं, लगभग लगभग संख्या बढ़नी चाहिए थी। रेखा जी व्यास छठे में सी, सभी का सी, लेखरा जी मीणा, सीमा जी माली, पूजा जी मेवाड़ा, पूजा जी कुमावत, बिल्कुल सभी का, दुर्गे जी मीणा, प्रियंका जी कुमावत, सभी का सी सी उत्तर मिला था, विश्वजीत जोशी, कैलाश जी जाट, पूजा जी टेलर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैलाश जी जाट, हेमंत जी शुक्वाल, राघव जी कटिक, रूपाल जी जी, धन्यवाद जी धन्यवाद। देखेगा क्या कह रहे हैं, विसर्ग संधे उदाहरण, विसर्ग संधि का उदाहरण है, उदाहरणम धन अस्ति उदाहरण, यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है वायुश्च, साथ ही आपने शायद देख करके कर दिया होगा, परंतु अगर इसका संधि विच्छेद अपन करें वायु धन च, क्योंकि ये विकल्प से हो जाएगी, वायु धन च करें ना तो है आपके सत्व विसर्ग है, परंतु इसका विकल्प से आपके क्या हो जाती, वायुस धन च, अब बताओ वायुस धन च है ना आपके स्तुत्व, तो स्तुनास्तु, तो कहने मतलब यहां आपके कौन सी हो जाएगी, आपके स्तुत्व, ठीक है। दूसरा नमो नमः, दूसरा क्या है आपका, नमो नमः, अब नमः नमः यानी नमः धन नमः, नमः धन नमः। अब देखेगा विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ए, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, न, न जो है ना साथियों वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो एक का आपका सूत्र है उत्तर विसर्ग में हसी चर, कौन सा सूत्र है, हसी चर, कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या है या व र ल, इन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण होता है ना साथियों, तो विसर्ग का हो जाता है उ, फिर अ और उ मिलकर के बन जाता है ओ, इसलिए उ बनता है ना, इसलिए इसे उत्तर विसर्ग भी कहते हैं, ओ बनता है तो उत्तर विसर्ग भी कहते हैं, यानी संयोग का कोई नाम नहीं है, जैसा आदेश हुआ वैसा ही नाम दे दिया। तो यहां क्या था आपका, विसर्ग का उ बन जाएगा अ और उ से ओ, ठीक है, मां आधा है तो बना तो नमो और नम, यहां उत्तर विसर्ग होगी रामश्च, मैंने कहा यहां पर भी अगर इसका संधि विच्छेद करें राम है धन च तो सत्व है, और अगर संधि विच्छेद कर दें कि रामस धन च तो बताए कौन सी, स्तुत्व हो जाएगी, और होत्रिकार है, होत्रिकार है यानी होत्री धन रिकार है, होता का रिकार, होता होता है यज्ञ को करने वाला, या री आ रहा है तक के अंदर री री से दीर्घ री हो जाएगा, तो यहां हो जाएगी आपके कौन सी संधि, दीर्घ संधि। तो साथियों देखो इसमें विकल्प से था तो नहीं होगा, इसमें विकल्प से था नहीं होगा, क्योंकि दोनों में स्तुत्व आ रही थी, इसमें दीर्घ आ रही थी, इसमें कोई विकल्प नहीं, उत्तर विसर्ग हो रही थी, तो उत्तर हो जाता आपका कौन सा, बी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखें आप, है ना। प्रश्न क्रमांक 7, थोड़ा जल्दबाजी करें, जल्दी से करें, इसी प्रकार प्रश्न पूछा था संस्कृत भाषा पूछा गया था रिट में आपके, संस्कृत भाषा अधिकांश आपके वृद्धि संधि पूछी थी, अभी मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो संस्कृत भाषा इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, थोड़ी शीघ्रता रखिएगा क्योंकि आपके दो कक्षाएं और रही है, दो कक्षाएं और होने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल लेखरा जी अगर ध्यान रखें आप, क्योंकि संस्कृत बिल्कुल छोटी सी अगर गलती कर दी तो पूरा गलत हो जाएगा आपके, बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपन को। संस्कृत भाषीय इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति,
बताएगा। सातवें में डी उत्तर आ गया जी। दीपक जी शर्मा डी। प्रश्न को पूरा पढ़ा करो आप। मैंने कहा अधिकांश आप स्वर संधियों का ही अध्ययन करें, उसमें से पूछा जाएगा। अभी तक सारे प्रश्न उसी प्रकार पूछे गए आपके। कांता जी टाका या सातों में ए। अधिक से अधिक मित्रों को जोड़े, थोड़ी गति प्रदान करें भाई। देखो आज कमेंट्स बहुत धीमी गति से आ रहे हैं आपके, फास्ट नहीं आ रहे कल की तरह। हेमंत जी शुक्ल डी, पूजा जी टेलर सी, खुशबू जी शर्मा डी, रूपा जी शर्मा सी, केला जी जाट सी ए, कलवजी कटिक सी, आमन जी मेवाती डी। क्या बात भाई, संधि नहीं आएगी तो फिर और क्या आएगा आपको? हाँ, दो प्रश्न आने वाले संधि से, याद रखना। पूजा जी टेलर सी, रणवीर सिंह राठौर सी, मधु जी खींची ए, राजन जी डी, सपना जी ए, मधु जी खींची ए, प्रेरणा जी जोशी डी, राजकुमार जी राव ए। अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ेगा आप, शेयर करिएगा इस लिंक को, देखेगा। संस्कृत भाषी हो मैंने कहा ना आपको, याद रखना दो वर्णों में संधि होती है। तो यहाँ कहाँ कुछ आदेश हो रहा है क्या आपके? यहाँ आ रहा ना, दो मात्रा आ रही है, ठीक है। तो यहीं से संधि विच्छेद हो जाएगा आपके। संधि विच्छेद कहां से हो जाएगा? यहीं से। देखिएगा क्या है, संस्कृत भाषया, संस्कृत भाषया धन एव भाषेव, ये आ रहा। देखो भाषेव नहीं आ रहा सीधा, भाषेव होता तो संस्कृत भाषा धन एव, ये प्रश्न पूछा था रिट में, संस्कृत भाषा धन एव, तो भाषेव। या अपन ने थोड़ा चेंज करके विभक्ति परिवर्तन कर दी, तीसरी कर दी, प्रत्येक लतया प्रथमा नहीं है, ठीक है। तो संस्कृत भाषिया, तो भाषिया में क्या निकला, ये से क्या निकला आपके आ, आ के बाद में क्या है ए, दोनों में आ और ऐसे हो जाएगा ए, और ये जाएगा ए में, तो क्या हो जाएगा ये, तो क्या हो गया संस्कृत भाषी। समझ में आ गया क्या? तो संस्कृत भाषया, तो ये आधा हो जाएगा, ये से निकला आ, ठीक है, आ और ऐसे ए। तो यदि ए अथवा आ के पश्चात, ए अथवा आ के पश्चात ए या ऐ है तो उसका बनेगा ए, और यदि ए अथवा आ के पश्चात क्या हो, ओ या औ हो, तो बनेगा वहां पे आपके औ, या तो बनेगा ए या बनेगा औ, वृद्धि रेची और वृद्धि राधेच, एच प्रत्यार, ठीक है। इतना विस्तृत अपन नहीं बता पा सकते अभी, ठीक है। तो संस्कृत भाषा, या तो क्या बनेगा इसका, या तो बनेगा आपके संस्कृत भाषा आ रहा ना, तो भाषेव ये बन जाएगा, केवल ये रिट में इस प्रकार प्रश्न पूछा गया था आपको, ठीक है। तो अपन ने थोड़ा परिवर्तन कर दिया, भाषिया कर दिया, तो भाषिया धन ई नहीं होता है, गुण संधि होती तो होता ए बनता, मैंने कहा भी है ना, ए आके पश्चात ई होता तो ए हो जाएगा, ठीक है। फिर भाषिया, तो आ और ऐसे आई हो गया, ये उत्तर सही था बिल्कुल सी। और संस्कृत भाषिया धन आय ऐसा होता ही नहीं, मूल एव अव्यय पद होता है, जिसका अर्थ होता है, पिछले कक्षा में अपन पढ़ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल महावीर जी, ठीक है। तो संधि होगी अपने कौन सी, वृद्धि संधि, कौन संधि होगी साथियों, वृद्धि संधि। तो याद रखिएगा आय और अव बनता है तो वह संधि होती है, कौन सी आपकी, वृद्धि संधि। साथियों अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ेगा आप, अगर तल्लयः क्या है, तल्लयः इति पदे का संधि, थोड़ी गति रखिएगा आप थोड़ा, क्योंकि इसके पश्चात दो कक्षाएं और रहने वाली है आपके। तल्लयः इति पदे कः संधि, तल्लयः इति पदे कः संधि, चर्त्व जस्त्व पूर्वस्वर्ण परस्वर्ण। हाँ पूजा जी कोई बात नहीं, धन्यवाद धन्यवाद पूजा जी। उच्चारण का उद प्लस चारण, उद प्लस चारण उच्चारण, ठीक है। जैसे सज्जन, सत धन जन होता है, सत धन जन नहीं होता है, सत धन जन होता है, दैका बनाते हैं, तैका बनाते हैं, द जस तो करते हैं, द बनाने के बाद फिर बनते हैं अपन चुत्व से, सद प्लस जन, यानी सद नहीं होता सत होता है। तो उद प्लस चारण उच्चारण, दैका बनेगा तय चर्त्व से पहले, दीदी बता रहे ना मधु जी की चीज, दैका तय बनेगा पहले, फिर तैका चुना चु से च बन जाएगा, ठीक है दीदी। कैलाश जी डी, पूजा जी टेलर बी, कटिक आटो में लत्व संधि, पूजा जी टेलर का बी है, खुशबू जी शर्मा बी, रिंकू जी शर्मा है, रूपा जी शर्मा सी, कैलाश जी जाट डी, रणवीर सिंह राठौर बी, राजकी शर्मा बी, विश्वेश्वरी जोशी सी, रिंकू जी बलाई बी, रिंकू जी शर्मा तोरली बिल्कुल बिल्कुल, प्रणय जी जोशी सी, देखते हैं रूपा जी शर्मा सातवें एफ विकल्प नहीं है। देखेगा क्या कहा इसने, तल्लय इति पदे का संधि, तल्लय इस पद में कौन सी संधि है, चर्त्व नहीं है, चर्त्व वर्ग के पहले अक्षर बदलेगी, ठीक है।
जस्ट तो नहीं है, वर्क के तीसरे बदलेगी। अभी इनकी सारी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। आपको अगर ऐप खरीदा हुआ है तो ऐप में आपके 17 वीडियो संदेश संबंधित है, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगी, वहाँ विस्तृत रूप से पढ़ा रखा है। पूर्व स्वर्ण चौथे में ठीक है, जयो अन्यत्र श्याम और परस्वर्ण। देखेगा तल लय संधि विच्छेद की बात करें तो तत् धन लय, तत् धन लय। अब यहाँ भले आप तद भी कर सकते हैं, तय का द भी बना सकते हैं जस्त से, ठीक है ना। आप इस वैसे देखते हैं बिल्कुल तत् धन लय। तो एक आपका परस्वर्ण, एक तो सूत्र है अनुस्वार से यही परस्वर्ण है, अनुस्वार से यही परस्वर्ण है, यानी कि अनुस्वार के पश्चात यदि यही प्रत्यार का कोई सा भी वर्ण हो, यही का मतलब श स स है के अलावा सभी व्यंजन वर्ण, तो अनुस्वार इस ये प्रत्यार के पंचम अक्षर में परिवर्तित तो हो जाता है। पहला नियम तो ये कहता है। दूसरा एक सूत्र है आपका तोड़ली, जो भोसरों ने अभी आपने बताया था, क्या बताया था, तोड़ली, तोड़ली इन त और ल। ये कह रहा है कि यदि त वर्ग, कौन सा वर्ग है, त वर्ग, यानी त थ द द न, क्या है त थ द द और न, यदि त वर्ग के पश्चात ल वर्ण हो, लकार हो, तो तवर का क्या हो जाएगा, तो तवर का हो जाएगा आपके ल आधा, और न अनुनासिक है तो यहाँ ल भी क्या हो जाएगा, अनुनासिक, ठीक है। ये सूत्र कौन कहता, तोड़ली, यानी तवर के पश्चात क्या हो, ल वर्ण हो तो त का भी क्या हो जाएगा, ल। तो अपने यहाँ क्या था, त त था, तो त का हो गया ल, और फिर बाद में क्या है, लय, तो बन क्या गया, त लय, यानी उसका नाश, तत् यानी वह, उसका नाश, ठीक है। तो तोड़ली सूत्र से हो गया, तो यहाँ लत्व भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं आपके, लत्व। तो लत्व नहीं दिया था, तो लत्व किसके प्रसरण में आती, तो संधि हो जाएगी आपके, डी। बिल्कुल सभी ने सही उत्तर बताया था जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विशेष जी तोड़ली। प्रश्न क्रमांक 9, वधु रेशा इति पदे कह संधि, थोड़ी गति करिएगा, गति बढ़ाइएगा आप, वधु रेशा इति पदे कह संधि, बिल्कुल बिल्कुल कल्पना जी, बिल्कुल जी, हम पूरा प्रयास करते हैं आपके स्तर के, आपके उपयोगी है ना, जो रीट का स्तर है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न हो। ममता जी मेघवंशी डी। साथियों इसके पश्चात आपकी हिंदी की कक्षा रहेगी, अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ दीजिएगा आप। रणवीर सिंह राठौड़ सी, रूपाली जी शर्मा सी। आज उत्तर नहीं मिल रहे जी जल्दी से, क्या बात होगी। कैलाश जी जाट, हाँ बिल्कुल कैलाश जी, आपने अगर तोड़ली सूत्र दिया था प्रश्न, बिल्कुल सही था आपका। रिंकू जी भलाई सी, पूजा जी कुमाऊत सी, खुशी जी वैष्णव सी, सपना जी सी, डीके जी तेली सी, हेमंत जी सी, पूजा जी सी, विश्वेश्वरी जोशी सी, रेखा जी सी, कैलाश जी जाट सी। देखते हैं वधु रेशा, वधु रेशा र आ रहा ना, तो विसर्ग र बनेगा तो ऋतु संधि हो जाएगी साथियों, ठीक है। तो गुण होगी, देखो ए आता है, परंतु वधु रेशा, रेशा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो साथ देखिएगा संधि विच्छेद करें अपन, तो वधु, वधु धन ऐसा, यानी यह वधु है, यह वधु है। तो कहने का मतलब ऋतुविशेषक संधि में नियम है आपके कि यदि विसर्ग से पूर्व ऐसे भिन्न कोई स्वर हो, यदि विसर्ग से पूर्व ऐसे भिन्न कोई स्वर हो और विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या है या व र ल इन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण होता है तो वहां विसर्ग का हो जाता है आपका र। तो देखिएगा यहाँ विसर्ग थी ना, तो यहां पर भी अपने विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, व द और फिर आया इसमें उ, फिर विसर्ग और उसके बाद ऐशा, ठीक है, ऐसा यानी यह वधु। तो अब देखिएगा विसर्ग से पहले उ आया, ऐसे भिन्न है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, र, ठीक है। तो वह दू पूरा मिला दो आप, वधु, ठीक है, और रह, रह किस में जाएगा, एम में और सा, तो क्या हो गया आपका, वधु रेशा। तो संधि कौन सी हो जाएगी आपके, रुत्व विसर्ग संधि, ठीक है। उत्तो में थोड़ा सा अंतर है, उत्तो में ए होना चाहिए, हसी जैसे सूत्र है, उत्तो में ए होना चाहिए, रुत्व में अ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी विशेष है आपके पुनर्धन अपि पुनरअपि है ना, अंत प्लस रंग अंतरंग, तो पुनः अंत शब्द हो तो भी आपके यहाँ रुत्व विसर्ग संधि ही होगी। देखिए आप प्रश्न क्रमांक 10, इष्टः, इष्टः इति पदे कह संधि, इष्टः इति पदे कह संधि, गौतम जी श्रोत्रिय सी, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी थोड़ा शीघ्रता करिएगा आप, थोड़ी गति भी रहेगा जी कक्षा की। इष्टः इति पदे कह संधि,
कल्याण जी तिवारी शी प्रश्न क्रमांक 10 बताएगा, 5 प्रश्न और रह रहे हैं इसके पश्चात। कल्पना जी कटी का जी डी, शंकर जी जाट उत्तर बताएगा उत्तर, उमेश जी उमेद कुमार जी गड्डी डी, पूजा टेलर डी, रणवीर सिंह डी, दुर्गेश जी मीणा डी, प्रणाम जी प्रणाम, विशेष विशेष प्रणाम स्वागत। कैला जी जाट हमारा ऑनलाइन ऐप है उसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के नाम से है जी बिल्कुल। कैलाश जी लीला जी गड्डी डी, प्रिया जी डी, सभी का डी आया देखेगा इष्ट ठीक है, इष्ट इति पद का संधि, तो इसका संधि विच्छेद की बात करें साथियों, संधि विच्छेद है इस धातु इस यानी चाहना और आगे है त, मैंने कहा अभी पढ़ाई थी स्तो सुनस्तु यह हो जाएगा स्टुनस्तु, यहाँ क्या है आपका स्टुना स्टु ठीक है, यानी कि यहाँ स्टु के जगह पे स्टु हो जाएगा, वहाँ स्तो सुनस्तु था यहाँ स्तो सुनस्तु हो जाएगा, यानी स ये मूर्धन्य और ट वर्ग हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ स मैंने कहा ना बदलेगा हमेशा कौन बदलेगा स्तोई, बदलेगा कौन स्तोई, तो ट वर्ग का पहले ही था तो ट भी पहला हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा इष्ट है, क्या बन जाएगा साथियों इष्ट, यानी त का क्या बन गया ट, यानी ट वर्ग स्टू ठीक है। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 11 अनुच्छेद यदि पद का संधि, थोड़ी गति बढ़ाएगा आप कमेंट्स की, हाँ बिल्कुल डी उत्तर सही था आपका इष्ट स्टुत्व संधि थी है ना, तैका हो जाएगा ट बिल्कुल विश्वेश्वरी स्टुत्व बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताएगा अनुच्छेद इति पद का संधि, अनुच्छेद ऐसा जो पद है उसमें संधि कौन सी है, कल्पना जी कटिक ए, आशा जी जाट डी, रूपा जी शर्मा बी, रेखा जी शर्मा ए, रणवीर सिंह राठौड़ बी, कल्पना जी कटिक ए, मैना जी बी, पूजा जी शाहू बी, पूजा जी टेलर ए, रणवीर सिंह राठौड़ बी, अनुकूल जी शर्मा बी, लेखा जी मीणा बी, रघु जी कटिक द, पूजा जी टेलर बी, गौतम जी श्रोत्रीय ए, पूजा जी कुमावत ए, ममता जी मेघवंशी बी ठीक है, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं किसी के किसी के, देखते हैं अनुच्छेद अनुच्छेद इति पदे का संधि, देखिए साथियों संधि विच्छेद कर लेते हैं अपन अनुधन छेद है, क्या है अनुधन छेद है ठीक है, अनु अ न उसके बाद उ फिर है छेद है ठीक है, छेच सूत्र है कौन सूत्र है छेच, तो आपको शॉर्ट में याद रखना यदि ह्रस्व स्वर, यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छह वर्ण हो, ह्रस्व स्वर कितने मौलिक 5 है, मूल स्वर अपने कौन कौन से अ ई उ री और ली ठीक है, और उसके पश्चात क्या हो आपके छह वर्ण, तो यदि अ ई उ री ल के पश्चात छह वर्ण होना तो छह से पहले किसका आगम हो जाता त का, ऐसे आगम पहले पहले पढ़ चुके आगम मित्रवत होता है ठीक है, दो के बीच में क्या कर बैठना त का आगम हो जाता है ठीक है, फिर त जो होता है ना उसको त के बाद में छ आ रहा है देख लेते हैं देखेगा, तो अ न फिर किसका आगम हो गया त का, उसके पश्चात क्या है छेद ठीक है, अब यहां संधि का नियम लगेगा आपके किसका त के बाद में छ, स्तो चुनस्तु यानी स्तो का स्चु होगा क्योंकि ये छ आ रहा है छ वर्ग का अक्षर आ रहा है ये स्तो आ रहा है, तो यहां त का क्या बन जाएगा छ, ये किससे बना आपके किससे बना ये अस्तुत्व के नियम से, किसके नियम से बना जी अस्तुत्व के नियम से ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथियों अनु और छेद ठीक है, आपको केवल इतना से रखना शॉर्ट में कि यदि अ ई उ रिल ऋ के पश्चात छह वर्ण आए ना तो छह से पहले च जोड़ना है, क्या जोड़ना है च, सीधा ही छोड़ देना आप, तो यदि अ ई उ रिल ऋ के पश्चात छह आए तो छह से पहले च जोड़ना है, और संधि का नाम हो जाएगा तुकागम, तुक धन आगम यानी तुक का आगम होता है इसलिए तुकागम, और इसमें भी संधि करे तुक का ग हो जाएगा तो इसे कह जाए तुगागम, जब तो संधि कर देंगे ना इसमें भी तो क्या हो जाएगा तुकागम या तुगागम ठीक है। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 12 सन्मार्ग, सन्मार्ग इति पदे का संधि, बिल्कुल जी बिल्कुल इमरान नमस्ते नमस्ते स्वागत, गणेश जी शर्मा ए, बताइए प्रश्न क्रमांक 12 सन्मार्ग क्या है, सन्मार्ग इति पदे का संधि, प्रश्न क्रमांक 12 में उत्तर बताएगा साथियों, अधिक से अधिक मित्रों को जोड़े आप, इस कक्षा को आप लाइक करें कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी आपकी कक्षा, ये जो प्रश्नोत्तरी हो रही है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, इसके पश्चात दो कक्षा रहने वाली है, कहीं नहीं जाएगा बने रहेगा आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। सन्मार्ग है इति पदे कह संधि, दुर्गे जी मीणा बी, रूपा जी शर्मा बी, मैना जी का आया बी, पवन कुमार जी लड्डा बी, रणवीर सिंह राठौड़ बी, पूजा जी साहू बी, रिंकू जी शर्मा बी, पूजा जी कुमावत बी, पारस जी बी,
पूजा टेलर बी लेखा जी मीना बी पूजा टेलर बी बिल्कुल अशोक जी अशोक भावर बी हेमंत जी बी सभी का बी बहुत बहुत धन्यवाद जी आभार आप सभी का। देखेगा क्या कह रहा है सन्मार्ग है सन्मार्ग है इतनी पद है क्या संधि सन्मार्ग है देखेगा शतधन मार्ग है क्या है शतधन मार्ग है ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तो सदमार्ग भी कर सकते हैं इसका क्या कर सकते हैं सतधन मार्ग है सदमार्ग से जस्त हो जाएगी आपके कौन से हो जाएगी जस्त विकल्प से अगर जस्त है तो जस्त हो जाएगी आपके ठीक है सतपल मार्ग। अब ये क्या संधि होती है आपके अनुनासिक कौन संधि होती है आपके अनुनासिक नाम से पता चल रहा है नासिका के द्वारा ठीक है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा यानी कि यर प्रत्याहार के पश्चात यदि कोई भी क्या हो अनुनासिक वर्ण हो क्या हो कोई भी अनुनासिक वर्ण हो यर प्रत्यार की बात करें तो है वर्ण के अलावा सभी व्यंजन वर्ण है वर्ण के अलावा सभी व्यंजन वर्ण तो यर प्रत्यार कौन यर प्रत्यार अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात किसमें अनुनासिक वर्ण में परिवर्तित हो जाता है तो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा यानी यर अनुनासिक और अनुनासिक देखिएगा शॉर्ट में याद रखना अधिकांश इसमें आप याद रखना पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा उसके पश्चात कोई भी पांचवा वर्ण हो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जिस वर्ग के हैं उसी के किसमें पांचवा में परिवर्तित होगा और अधिकतर रहेगा इसमें कौन सा पहला और तीसरा कौन सा पहला और तीसरा तो देखेगा सत वर्ग का पहला अक्षर है उसके पश्चात ये मैं क्या है अनुनासिक वर्ण है यानी पंचम वर्ण रहना जरूरी है इधर याद रखेगा अनुनासिक में पंचम वर्ण रहना जरूरी है अनुनासिक तो अब ये किसमें बदलेगा अनुनासिक में जिस वर्ग का है उसी के किसमें पांचों में तो तय का क्या हो जाएगा साथियों न तवर का अक्षर है तो क्या हो जाएगा न और मार्ग क्या हो जाएगा सन मार्ग क्या बन जाएगा सन मार्ग ठीक है। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 14-13 नायिका है इति पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद शंकर जी धन्यवाद नायिका इति पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति नायिका इति पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति जल्दी से बताएगा थोड़ी शीघ्रता करें आप बहुत सरल सामान्य उदाहरण है बहुत बार पढ़ा था आपने पढ़ा हुआ है ये बहुत बार पूछा गया है नायिका इति पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति उत्तर आ गया जी कल्पना जी गड्डे ए चांदनी जी ए रिंकू जी शर्मा ए मैना जी ए कल्पना जी ए पूजा जी कुमावत ए शंकर जी आठ ए हेमंत जी सुखवाल ए दुर्गेश मीणा बी अनुकूल जी ए रेखा जी बिल्कुल आपकी बार बहुत शीघ्रता से आप सभी के कमेंट्स आए जी अनुकूल जी ए ज्योति जी कोईवाल ए अयादी बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद। देखिएगा नायक है साथियों इसमें ध्वनि को पकड़ लो नायक है क्या आ रहा है नायक है आय की ध्वनि आ रही है किसकी आ रही है साथियों इसमें आय की नायक है आय तो अय औ आय आओ अय औ आय आओ की ध्वनि आए तो वहां संधि होती है आपके अयादी ठीक है। देखिये इसका सूत्र है एचो अवा याव है एचो अय वा याव है इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद भी रखना है इसलिए ठीक है सूत्रार्थ क्या हो जाएगी एच है धन आइए देखिएगा एच प्रत्यार है एच प्रत्यार में बनाते हैं ए ओ अय औ अय गुण है ए ओ अंग है अय औच है तो ए ओ अय ओ पहले गुण फिर वृद्धि उद्योग मत करना गलत हो जाएगा पहले गुण फिर क्या है वृद्धि तो एच प्रत्यार हो गया फिर बाद में ये कह रहा है देखिए ये अवग्रह है तो ये अय है क्या है ये अय ठीक है फिर ये से क्या निकला वह ये और वह ठीक है फिर वह में है आ आ और ये में फिर आ और वह क्या है आव तो कहने वाला ये क्या कह रहा है कि यदि एच प्रत्यार के पश्चात कोई भी स्वर वर्ण हो तो क्या हो जाएगा आपके ए का तो ए ओ का अव है ना अय अव फिर अय का आय औ का आव आदेश हो जाता है तो आपके ध्वनि किसकी आ रही है देखिएगा नायक है नायक है आय की ध्वनि आ रही है किसकी आ रही है आय की तो आय से क्या बनेगा अय तो क्या हो जाएगा नय और धन अके तो उत्तर हो जाएगा आपका नायक है अगर यहां ऐसा जाता है नय धन अके संधि पद तो अय आ रहा है तो अय किसका बनेगा आय का याद रखना अय औ आय आव ये ध्वनि पकड़ लेना और क्या है आपका एच ए ओ ए और औ संधि हो जाएगी आपके अयादी एच ओ आई वा या बिल्कुल बिल्कुल 14 प्रश्न है अंतर्धन राष्ट्रीय
अंतरधनुराष्ट्रीय इत्यत्र संधि पदम अस्ति, संधि पद बताना बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल कल्याण जी, प्रश्न क्रमांक 14 है, अंतरधनुराष्ट्रीय इत्यत्र संधि पदम अस्ति, दोनों जुड़ेगा ये आपके, है ना, बाकी विषय लग जाएगी अगर केवल अकेली संधि है तो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय इत्यत्र संधि पदम अस्ति। पूजा जी साहू का उत्तर आ गया जी सी, उमेद कुमार जी गटेक बी, रूपाल जी शर्मा सी, पूजा जी कुमावत बी, गौतम जी श्रोत्रिय बी, पूजा जी टेलर बी, मैना जी सी, राघव जी गटेक बी, शंकर जी आठ बी, पारस जी बी, चांदनी जी बी, रिंकू जी बालाई बी, दुर्गा जी मीणा सी, अशोक जी बी, विनीता जी बी, पवन कुमार जी लड्डा बी, गौतम जी बी, कोमल जी बेरवा बी, बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं अंतरधन राष्ट्रीय क्या है, अंतरधन राष्ट्रीय इत्यत्र संधि पदम अस्ति। अपन पिछली कक्षा हुई थी, उपसर्ग पढ़े थे, उसमें मैंने बताया थी भी था आपके, ठीक है, क्या था, मैंने बताया था कि यदि विसर्ग से बने रह के पश्चात, यदि विसर्ग से बने रह के पश्चात फिर र आए तो विसर्ग से बने रह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। ये कौन काम करता है, तो रो रही है, रोती है, ठीक है, फिर उसको चुप कराता, कह रहा है कि जो है उसको ही क्या कर तू, बढ़ा कर। तो एक सूत्र आता आपके ड्रैलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, अपन पढ़ चुके हैं ड्रैलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, यानी जहां ड या र का लोप हुआ है, जहां ड या र का लोप हुआ है तो उससे पूर्व जो अण प्रत्यार है, अण प्रत्यार यानी अ ई उ, उनका दीर्घ आदेश होता है, तो ए का होता है आ, ई का होता है ई, और ऊ का होता है ऊ। ये सूत्र आपके ड्रैलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, तो यहां देखेगा अंतर फिर राष्ट्रीय, तो विसर्ग से बने रखा क्या हो गया, लो, और इससे पूर्व, अब इससे पूर्व तय में क्या मिला हुआ है, तो ए, ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा साथियों आपके आ, तो क्या हो जाएगा अंता, क्या हो जाएगा अंता, और फिर राष्ट्रीय, तो ये अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल गलत है, अंतरराष्ट्रीय गलत है, अंतरराष्ट्रीय ई छोटी ही आएगी, याद रखिएगा, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय बड़ी नहीं आएगी, तो क्या हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय। शंभु राजते नी रस नी रव, तो दो सूत्र हो गए, रोरी यानी विसर्ग से बने रह के पश्चात फिर तो विसर्ग का लोप, फिर ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, जहां ढया रह का लोप हुआ उससे पूर्व जो ए ई उ है उनका क्या आदेश हो जाएगा, दीर्घादेश, ठीक है। विसर्ग लोप संधि में है आपके, है ना, यानी कि विसर्ग लोप दीर्घ संधि या रेलोप संधि जिसको अपन कहते हैं, बिल्कुल रेप लोप संधि, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 और आज की प्रश्नोत्तरी का ये अंतिम प्रश्न है, देखिए साथ अपन ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके प्रश्नोत्तरी है। आप दिगंबर है, क्या है, दिगंबर है इति पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति, दिगंबर है इति पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। साथियों मैंने कहा स्वर संध्या ही पढ़िएगा आप, वृद्धि संधि में पूछा गया था आपको, है ना, एवेश संस्कृत भाषेव, एक पूछा था सकल धन अपि, ये पूर्व में भी आता है उत्तर भी आता है, ठीक है, एक पूछा था आपको व्यपगतेषु अपि, है ना, वर्ण्य का, ऐसे यण दीर्घ वृद्धि के उदाहरण पूछे आपको, बिल्कुल उदाहरण, बिल्कुल बिल्कुल, बी बी आया सभी का, बाबूलाल जी, अशोक जी, अनुकूल जी, लेखरा जी, कुशी जी, कल्पना जी। साथियों अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कि ये आज की प्रश्नोत्तरी कैसी रही, ठीक है, दिगंबर है, ठीक है, ऐसे पद का संधि विच्छेद होगा भविष्यति यानी होगा। तो देखिएगा बात करते हैं अपन दिक, क्या है, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर है, दिक का मतलब था दिशा डायरेक्शन, अंबर यानी एक होता आकाश योम अंबर, ठीक है, और दूसरा अर्थ होता आपका कौन सा वस्त्र, कौन सा अर्थ होता है वस्त्र, तो दिक का आया फिर आया ए, एक संधि होती है जस्तु संधि, जलाम जसो अंते, क्या है, जलाम जसो अंते यानी जल प्रत्याहार, जल प्रत्याहार, उसके पश्चात जलाम जस प्रत्याहार, जलाम जसो अंते, तो देखेगा इधर जल प्रत्याहार में वर्ण की बात करना, वर्ण आते हैं आपके वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा, और श श श और है, ये जल प्रत्याहार है, ठीक है, उसके पश्चात कोई भी स्वर, अधिकांश स्वर ही रहेंगे, सभी स्वर आ सकते हैं, या फिर तीसरा चौथा पांचवा या है या व र ल, इन वर्णों में से यदि कोई सा भी वर्ण हो तो जल प्रत्यार जो है ना वो किस में, जस में, जस यानी ज ब ग ड द, क्या है, ज ब ग ड द, यानी ये वर्ग के कौन से अक्षर है, तीसरे, तो वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलती है वो कौन सी, जस्व, तो याद रखना अधिकांश इसमें वर्ग का पहला अक्षर ही रहेगा, यानी कि क च ट त प,
वर्ग का पहला अक्षर रहेगा, उसके पश्चात कोई भी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या है या वर्ल में कोई सा भी वर्ण है तो यह वर्ग का पहला अक्षर जो है किस में बदल जाएगा, तीसरे में। तो वर्ग का कौन सा अक्षर था ये पहला, ए क्या था स्वर, कौन बदलेगा क, किस में जिस वर्ग का उसी के तीसरे में, तो क ख ग क्या हो जाएगा ग, ठीक है। तो दिक क घ आधा है तो आगे स्वर तो घ में मिलेगा तो घ हो जाएगा पूरा, बन क्या जाएगा दिगंबर है, ठीक है, यानी नग्न दिगंबर नहीं दिशा ही है वस्त्र जिसके, यानी कि उनके जो वस्त्र है वो केवल दिशा ही है, ठीक है साथियों। तो ये थी आज की अपनी प्रश्नोत्तरी, तो कैसी लगी आपको कक्षा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। शुभ रात्रि, जय हिंद जय भारत। अब आपके हिंदी के श्रीमान राजेश जी सर पधारने वाले हैं और आपके हिंदी की प्रश्नोत्तरी होगी, कहीं नहीं जाएगा, जुड़े रहेगा। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, कैसे हो सब, कैसी चल रही कक्षाएं, कैसा आनंद आ रहा है कक्षाओं में, अपनी सीरीज कैसी लग रही है आपको, अरे इसका कुछ लाभ मिल रहा है या यूं ही टाइम पास चल रहा है अपना। जोशी जी नमस्कार, नमस्कार पूजा कुमावत, गुड इवनिंग ममता, अनुराधा, सभी को नमस्कार, लेखराज जी, जय श्री कृष्णा, खुशी वैष्णव, रिंकू, सभी को नमस्कार बेटा नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है विश्वेश्वरीय जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे ही प्रश्न जो हैं वो अपनी परीक्षा के लिहाज से अच्छे चल रहे हैं और आज का जो अपना टॉपिक है बहुत शॉर्ट टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक और वहाँ से एक प्रश्न जो होता है वो विशेषकर हर परीक्षा में आ जाता है। दुर्गेश जी नमस्कार, देखिए अपना पहला प्रश्न देखिए आप, अपना जो लोकोक्ति मुहावरों का जो टॉपिक है उसमें अपना पहला प्रश्न है धूप में बाल सफेद होना, धूप में बाल सफेद होना मुहावरे का अर्थ है। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, नेहा गुड इवनिंग, ग्यारह में विश्वेश्वरीया जोशी करें ए, ए उत्तर आने शुरू हो गए, कल्पना खटी करें बी, अनुराधा ए, प्रहलाद ए, सभी का ए उत्तर आ रहा है, उमेद जी ए, डी के मीणा ए, रिंकू ए, रणवीर सिंह करें बी, विश्वेश्वरीया जोशी ए, शंकर जी राम राम साहब, राम 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 राम, अनुराधा ए। तो क्या बेटा आपने ये समझा क्या कि बिल्कुल सरल ही दे दिया होगा आपको, हैं? अरे आपने इतना सरल भी समझ लिया क्या लोकोक्ति मुहावरों को कि बिल्कुल ही सही है, ए उत्तर देने वाले सारे गलत हैं, ए उत्तर जिन्होंने भी दिया है वो सारे गलत हैं, ए उत्तर जिन्होंने भी दिया वो सारे गलत हैं। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश रे मेरे वीर जवानों, शाबाश, मजा आ गया। लोकोक्ति मुहावरे बिल्कुल सरल हैं, बिल्कुल सरल हैं, क्यों रुक गए, ए लिखते रहो, अरे बी पर आ गए, वेरी गुड। अनुभवहीन होना, धूप में बाल सफेद होना, अनुभवहीन होना,
बिल्कुल कल्पना जी, आपने बिल्कुल शुरू में सही दिया था। हाँ विश्वेश्वरी, आप आया दिमाग ठिकाने। रणवीर जी बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल बिल्कुल रणवीर जी आपका बिल्कुल ठीक था। अनुभवहीन होना, यदि इसको मैं यूं कर दूं कि धूप में बाल सफेद न होना न लगा दूं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुभवी होना। दोनों प्रश्नों को सुनो। अरे कई बार बुजुर्ग कहते ना, धूप में बाल सफेद नहीं हुए, इसका मतलब वो क्या हो गए, उनको अनुभव है, अनुभवहीन नहीं है। बिल्कुल, चलो दूसरे पे आ जाइए, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, मजाक नहीं हो रही है, उत्तर ठीक से दो। बी ऑप्शन कैसे होगा सर, प्लीज बताओ। अनुभवहीन होना बेटा, अनुभवहीन होना, धूप में बाल सफेद नहीं होना, इसका मतलब अनुभवी होता है। और धूप में बाल सफेद होना मतलब उम्र यूं ही निकल गई, अनुभव नहीं आया। चलो अगला देखो, आसमान पर चढ़ाना। चारों विकल्प देखकर उत्तर दो ठीक ढंग से। ये मुहावरे लोकोक्ति सरल भले ही लगे, लेकिन सरल है नहीं। हम बैठे बैठे कहते हैं 120 हो गए, 30 हो गए, बाहर आते आते वो 100 पे आ जाते हैं। मैना जी कह रहे हैं 2 में डी होगा, और अनुकूल कह रहे हैं 2 में ए होगा। ये लो साहब, 2 विकल्प आए, दोनों ही अलग अलग आ गए। और रेणु कह रही है बी होगा। मैं तो सोच रहा था बिल्कुल सभी के सीधे सीधे उत्तर आ जाएंगे, लेकिन ये तो कुछ टेढ़ी खीर निकली लोकोक्ति मुहावरे, तो ए डी बी। हाँ डी बी ए सारे, हाँ सी भी लगा दो, कोई हो जाएगा उत्तर, 4 में 1 तो हो गए होगा, कोई दोहराए नहीं है। चलो आसमान पर चढ़ाना। अरे बेटा कई बार आप ही कहते हो ना कि झाड़ पे मत चढ़ा रे, झाड़ पे मत चढ़ा, झूठी प्रशंसा मत कर, यानी कि अपने आप में अत्यधिक प्रशंसा करना, किसी की झूठी प्रशंसा करना, झाड़ पे चढ़ाना, पेड़ पे चढ़ाना, चांद पे चढ़ाना, आसमान पर चढ़ाना एक ही बात है। क्या हो जाएगा, अत्यधिक प्रशंसा करना, भी नहीं होगा अनुकूल जी। हाँ कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड तो होंगे ही होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो उत्तर होगा अपना डी। अगले प्रश्न पे आओ। विरोध करना के लिए मुहावरा है, विरोध करना के लिए मुहावरा है, सिर चढ़ाना, सिर कटवाना, सिर झुकाना या सिर उठाना। 3 लगाकर उत्तर दो, ठीक ढंग से पढ़ो फिर उत्तर दो। 3 में कई तो ऐसे हैं जिन्होंने 2 प्रश्न दिए, दोनों ही लोकोक्ति मुहावरे गलत हो गए। वाह भाई वाह, तीन में डी, ठीक ढंग से पढ़ लो, सभी के एक ही उत्तर आने शुरू हो गए। फिर सी, विरोध करना, किसी बात का विरोध करना मतलब उसके खिलाफ सिर उठाना, आवाज उठाना। उत्तर होगा अपना डी। वेरी गुड, सभी का ठीक उत्तर है ये। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। 4 में आ जाइए आप। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना या पास रहकर दुख देना। 4 में आ जाइए आप, 4 में आइए। बिल्कुल नेहा जी 4 पर आ जाइए। 3 में डी बिल्कुल ठीक उत्तर है। अनुराधा 3 में डी ठीक उत्तर है। 4 में आइए आप, 4 में क्या होगा। संगीता कह रही 4 में भी डी आएगा। विश्वश्री 4 में डी, मैना 4 में डी, पूजा 4 में डी, सभी के 4 में डी उत्तर आ गए। वेरी गुड, बिल्कुल 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 ठीक है सभी का। पास रहकर दुख देना, छाती पर मूंग दलना, कहते ना घर से जाता ही नहीं है, पूरे दिन छाती पर मूंग दलता है, कोई काम दाम नहीं करता, पूरे दिन छाती पर मूंग दलता रहता है, यानी कि पास में रहकर पूरे दिन दुख देता रहता है। चाय बनाओ, खाना बनाओ, दोस्त आ गए उनके लिए चाय बनाओ, पूरे दिन यूं ही पड़े रहना, पास में रहकर दुख देना। अगले प्रश्न पे आइए आप। कान फूंकना का अर्थ है, कान फूंकना मुहावरे का अर्थ है, चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना। नारायण जी नमस्कार। जादू टोना करना,
दीक्षित करना, पांच में आ जाइए, पांच में, पांच में बी कह रही है अनुराधा, बी बी बी, प्रश्न को पढ़ लो एक बार, कल्याण जी तिवारी डी कह रहे हैं। शाबाश रे कल्पना खटीक, डी, डी वालों के नाम बोल रहा हूं मैं केवल, कन्हैया लाल जी डी, वाह शाबाश, वेरी गुड, धन्य हो गए हम। दीक्षित करना क्या होगा? बिल्कुल, जिन्होंने डी उत्तर दिया वो ठीक है, बाकी सब गलत हैं। डी उत्तर ठीक है, बाकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नारायण जी बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए, कान फूंकना, किसी को दीक्षा दे देना, अरे कान फोड़े वो नहीं होते क्या? डी के मीणा बिल्कुल नाम ले लिया आपका, बिल्कुल बिल्कुल नारायण जी आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, दीक्षित करना ही हमारा उत्तर होगा डी। विश्वेश्वरी जोशी कह रहे हो, ओ ये भी गलत हो गया, हाँ अभियंता बोरवाल डी। अगले में आइए, कल्पना जी आपका बिल्कुल ठीक था सर, टेस्ट सीरीज ऑफलाइन में दिया था, हाँ हाँ ऑफलाइन में दिया था, लेकिन अब ऑनलाइन में भी दे रहे हैं ना, क्या हुआ? मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना, आ जाइए छह में आइए, छह लगा कर बेटा जल्दी करो, थोड़ा सीधे सीधे प्रश्न है, कुछ सुनना समझना समझाना कुछ है ही नहीं। पूजा टेलर कह रही डी, छह में ए, मेहनत अगया ए, अनुकूल जी ए, कल्याण तिवारी बी, डी के मीणा ए, ए, चलो चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, सभी का सही उत्तर है बेटा, बिल्कुल सही है। चलो सातवें में आ जाइए, अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना, देखिए साथ में आ जाओ, अरे अब की बार 30 आएंगे नारायण जी, पिछली बार 28 आए थे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए बराबर, 28 के 30 करने की महारत हासिल कर लोगे आप। साथ में डी, साथ में सी ए, इनकार करना, तिरस्कार करना, ना समझी दिखाना, खुशामद करना, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने भी डी उत्तर दिया बेटा बिल्कुल सही है, किसी की खुशामद करना अंगूठा चूमने के बराबर होता है, अंगूठा चूमना खुशामद करना, बिल्कुल 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 डी उत्तर होगा, खुशामद करना। नाक पर सुपारी तोड़ना, आठ में आ जाइए, आठ में आ जाइए, आठ में, नाक पर सुपारी तोड़ना, नाक पर सुपारी तोड़ना, अरे आपके नाक पर सुपारी फोड़ें, संभव है क्या? संभव है, देखो देखें, आठ में, आठ में डी, संगीता जी, मैना डी, अनुराधा सी, प्रियंका डी, रेखा डी, डी 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 डी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, असंभव कार्य करना, अरे नाक पर सुपारी फोड़ना संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है, बहुत कठोर होती है, नाक टूट जाएगा, सुपारी नहीं टूटेगी, इसलिए असंभव कार्य करना, नाक पर सुपारी फोड़ना असंभव कार्य करना। नौ में आइए, पेट में डाढ़ी होना, पेट में डाढ़ी होना, भेद न लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर न होना, पेट में डाढ़ी होना मतलब वस्तु का सही स्थान पर न होना, अप्राकृतिक व्यवहार करना और छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। नो लगाकर उत्तर दो बेटा, नो लगाकर फटाफट उत्तर देते चलो, नौ में डी, संगीता करी नौ में डी,
बिल्कुल संगीता जी, राम किशोर जी 9 में 4, सिमी पेट में डाडी होना 9 में 4, बिल्कुल बिल्कुल डी लॉक कर दिया जाए। छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, कई कहते ना अरे ये तो पेट में डाडी लेकर जन्मा था, इसका मतलब छोटे से बचपन में ही बहुत होशियारी की बातें करना, बुद्धिमानी की बातें करना, ए नहीं होगा, डी होगा उत्तर। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने भी डी उत्तर दिया बिल्कुल ठीक है। और आज के अगले प्रश्न पे आ जाइए, विहंगम, विहंगम दृष्टि होना, विहंगम दृष्टि होना, सरसरी दृष्टि, सरसरी दृष्टि होना, गहरी दृष्टि होना, सम्यक दृष्टि होना और पैनी दृष्टि होना। दस में आइए, बिल्कुल नेहाद, 9 में डी होगा, 10 पे आ जाइए आप, विहंगम दृष्टि होना। अनुराधा 10 में डी, 10 में ए, संगीता सी, रेखा 10 में डी, संगीता 10 में ए, अनुराधा 10 में डी, 10 में सी। चलो हमारा उत्तर होगा सी, सम्यक दृष्टि होना, अच्छी नज़र होना, पैनी नज़र होना, विहंगम दृष्टि का। बिल्कुल राम किशोर जी, सुरेंद्र जी नमस्कार, नमस्कार आपको भी। विश्वेश्वरी जोशी, ये तो कन्फ्यूज्ड है, 4 तो मैडम आपने लिख दिए कि कन्फ्यूज हैं, इसका मतलब लोकोक्ति मुहावरों को आप यूं ही समझ बैठे थे कि यूं ही उत्तर लगा देंगे वो ठीक ही निकलेगा अपना, बल्कि ऐसा होता नहीं है। आ जाइए, कलम तोड़ना, ये गलत कर दिया ना किसी ने तो ये देख लो मैं आपके मोबाइल में आप प्रकट हो जाऊंगा उसी समय, किसी ने भी गलत उत्तर दे दिया तो। कलम तोड़ना, हाँ गणेश जी आपका ठीक था। 11 में आ जाइए, 11 में ये लो शुरू का ही गलत दे दिया, रूपाली शर्मा, पूजा टेलर, दोनों ने गलत दिया। राघव सी, सी मृत्युदंड देना 11 में सी, वेरी गुड। अरे वाह रे वाह, आनंद आ गया, मज़ा आ गया, तो मज़ा आ गया साहब, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई वाह, फिल्में ज़्यादा देखते हो, कलम तोड़ना, मृत्युदंड देकर कलम तोड़ देते हैं, वेरी गुड। आप तो वकील होना चाहिए था आपको, तो टीचर थोड़ी, अरे टीचर तो आप यूं ही बनने जा रहे हो, वैसे खास तौर से तो वकील हो आप, जज हो, एडवोकेट हो वैसे तो। अपना उत्तर होगा बहुत मेहनत करना, उत्तर क्या होगा, कलम तोड़ने का मतलब मृत्युदंड देना नहीं है कि किसी की मृत्यु सजाए मौत दी जाती है, कलम तोड़ के फेंक दी लो साहब मृत्युदंड दे दिया, क्या होगा बहुत मेहनत करना। और इसके लिए कई बार एक और शब्द आ जाता है, मर्म स्पर्शी रचना करना, मर्म को स्पर्श करने वाली रचनाएं करना, बहुत गहन अध्ययन करने वाले। हाँ संविधान की क्लास नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो, संविधान नहीं है, हिंदी है बेटा ये। और मुहावरे अपने मूल अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, लक्षण प्रकट करते हैं, मूल अर्थ प्रकट नहीं करते हैं मुहावरों। हाँ मीना जी बिल्कुल आपका सही था, मीरा जी, रणवीर जी बिल्कुल। आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए, मुझे पक्का विश्वास था ऐसे प्रश्नों का, कूप मंडूक होना, अरे इसमें तो कुएं का मेंढक देखना, देखें कूप मंडूक होना। हाँ 12 में लगाइए उत्तर, कल्पना जी कह रहे हैं इसी टॉपिक पर एक और क्लास लें, क्लास तो हम ऑफलाइन ऑनलाइन लेते रहते हैं, आपका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है मैडम। 12 में सी आने लग गए, 12 में सी, अरे सोच लो विचार कर लो फिर कहोगे कन्फ्यूज हो गए। अब एक ही लाइन पकड़ ली भाई, अब उत्तर तो मानना ही पड़ेगा आप सभी का, वेरी गुड। कुएं का मेंढक होना, किसी को सीमित ज्ञान होना, किसी को सीमित ज्ञान होना कुएं का मेंढक होने के बराबर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, तो फिर बिल्कुल सभी का कुएं का मेंढक सही है, सभी का सी कुएं का मेंढक,
मुहावरे के लिए असंगत कथन है। बेटा नोट कर लेना और ये सोच लेना कि आपकी किसी ना किसी परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा सेम कंडीशन का, ये मैं कह रहा हूँ और आपको पता मैंने कह दिया, वो आरपीएससी ने कह दिया, नोट कर लेना इसको, नोट कर लेना उत्तर किस किस का गलत होता है और किसका सही होता है ये देख लेना। अभी मुहावरे के लिए असंगत कथन है 13 में, हिना अंसारी 13 में आ जाओ, 12 में सी लोग कर दें। विश्वश्रेया कह रही ऑफलाइन क्लास कब होती है, ऑफलाइन क्लास है मैडम हो सकता है 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, भगवान ने चाहा तो, बीमारी कुछ कम हुई तो या सरकार के दिमाग से बीमारी कम हुई तो, वैसे तो बीमारी कम ही है लेकिन सरकार के दिमाग में बीमारी कुछ ज़्यादा हो गई और हो सकता है बीमारी केवल कोरोना स्कूल कॉलेज के गेट के बाहर है, वो और हर जगह नहीं है बीमारी ऐसी। तो देखिए उत्तर आने लगे डी बी डी, सुरेंद्र जी कह रहे हैं ये राजन जागा कह रहे हैं सी, राज एस के शर्मा कह रहे हैं सी, बी बी आ रहा है, एम के मोहनपुरिया बी, बिल्कुल बेटा लोकोक्ति और मुहावरे का अंतर मैंने लिखवाया है आपको कि लोकोक्ति क्या होती है और मुहावरा क्या होता है, ये अपनी ऐप में भी मैंने बहुत विस्तृत लिखवाया है कि इनसे प्रश्न बन के आते हैं और आप बिल्कुल बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं इस बात को। देखो मुहावरा जो होता है वो कोई वाक्य नहीं होता, केवल वाक्यांश मात्र होता है, वाक्य का एक हिस्सा मात्र होता है। बिल्कुल लोक कर दिया, 13 को लोक कर दिया मैंने, यह एक संपूर्ण वाक्य होता है, ये गलत है इसके लिए। अब मेरी बात सुन लो, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये एक वाक्यांश होता है क्योंकि मुहावरे का प्रयोग वाक्य में होता है पहली बात, दूसरा मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, अभी मैंने क्या कहा प्रयोग वाक्य में होता है तब अर्थ देते हैं। फिर आगे देखिए लाक्षणिक अर्थ प्रकट करता है, बेटा ये याद रखना आपकी दो तीन परीक्षाओं में आ चुका है पटवार में और अभी जो एलडी से वगैरह लगी थी कि मुहावरे का शाब्दिक अर्थ बताइए, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो बेटा मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है लाक्षणिकता प्रकट करना, क्या होता है लाक्षणिकता प्रकट करना, लक्षण प्रकट किए जाते हैं, रूढ़ अर्थ देते हैं, ठीक है। और यहाँ यदि प्रश्न ऐसे बना के दें कि लक्षणा शब्द शक्ति में किसका विशेष प्रयोग होता है, तो लक्षणा शब्द शक्ति में भी मुहावरे का प्रयोग होता है, या जहाँ मुहावरे का प्रयोग होता है उस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति भी बन जाती है, ओके। फिर देखिए यह एक संपूर्ण वाक्य होता है, ये जो चौथा विकल्प है अपना, ये लोकोक्ति के लिए काम में लेते हैं, ये लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होता है, मुहावरे के अंत में ना लगा होता है, यानी क्रियावाचक शब्दों का आना कंपलसरी होता है, जैसे अंगूठा चूमना, अंगूठा दिखाना, आँख मारना, आँख मिलाना, ये सभी के अंत में क्या आता है, ना लगा होता है, जो क्रियावाचक शब्दों के साथ में जुड़ता है, और लोकोक्ति में ऐसा होना जरूरी नहीं होता है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाइए, अंधे को दिया दिखाना, अंधे आदमी को दिया दिखाना, अंधे को दिया दिखाना, 14 का उत्तर दीजिए, में आ जाओ, रुक क्यों गए, क्या बात हुई, रुक गए बिल्कुल 14 में, व्यर्थ के कार्य करना, भेद जानना, विवेकहीन होना, प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, सुरेंद्र जी कह रहे हैं ए डी ए, मुहावरा मधु खींची कह रहे हैं मुहावरा अधूरा होता है, बिल्कुल बिल्कुल वाक्यांश हो गए ना बेटा, वाक्यांश तो वाक्यांश वाक्य पूरा नहीं होना, वाक्यांश उसी को कहते हैं जो अधूरा होता है, ए और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं, ए डी अंगूठा चूमना तो पहली बार सुना सर, है अरे वाह गजब कर दिया, अंगूठा चूमना मतलब किसी की खुशामद करना, देखो अंधे को दिया दिखाना, अंधा आदमी है और उसको आप दिया दिखा रहे हो तो आप बेकार के काम कर रहे हो या फिर प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हो,
या उसका भेद जानना चाह रहे हो या आप विवेकहीन हो, क्या होगा उत्तर? हिना अंसारी कह रही है बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ के कार्य करना, व्यर्थ के कार्य करना उत्तर होगा ए, व्यर्थ के कार्य करना बिल्कुल। चलो आज के अंतिम प्रश्न पे आ जाइए आप। तीन कन्नौजीय 9 चूल्हे और ये 150% आने वाला है पटवार में या रीट में किसी में भी। तीन कन्नौजीय 9 चूल्हे मैंने जितने भी लोगों की मोहरे लिए हैं उनके 100% चांस हैं। बिल्कुल पूजा कुमार जी आपका सही था तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 15वें पे आ जाइए आप, 15वें में आइए, 15 गुड्डी शर्मा, 15 में आइए, 15 में सुरेंद्र चौधरी बिल्कुल ए। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी कक्षाओं से जुड़े हुए हैं। अनुराधा 15 में बी, 15 में बी, 15 में डी, 15 में बी, बी बी बी, इसका मतलब कहीं सुना है इस लोकोक्ति को आपने कहीं ना कहीं सुना है लेकिन कन्फ्यूज हो रहे हो। लोकोक्ति सुनी जरूर है कन्फ्यूजन में हो आप। देखिए नोट कर लेना, अंतिम प्रश्न है अपना। तीन कन्नौजीय 9 चूल्हे इसका मतलब होता है व्यर्थ के दोष ढूंढना, व्यर्थ के दोष ढूंढना। और इसका होता है, इसको भी लिख लो साथ ही आप, इसका होता है 8 कन्नौजीय 9 चूल्हे, 8 कन्नौजीय 9 चूल्हे, 8 कन्नौजीय 9 चूल्हे। यदि ऐसा आ जाए तो होगा उसका आपसी फूट होना, आपसी फूट होना। और तीन कन्नौजीय 9 चूल्हे आए तो उसका होगा व्यर्थ के दोष ढूंढना। समझ गए क्या बात को? दोनों एक जैसे ही हैं। यदि तीन कन्नौजीय का आए तो उसका मतलब हो गया व्यर्थ के दोष, और यदि ये आए कि 8 कन्नौजीय आ जाए तो उसका अर्थ होगा अपना आपसी फूट होना। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अब आगे की कक्षा में आ रहे हैं मनोज सर, बने रहिए अपनी कक्षा के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। जुड़ जाओ सभी एक बार और क्लास को शेयर कर दो, फिर शुभारंभ करते हैं। ये जो टॉपिक रहेगा ये रिट एसएस व पटवार वालों के लिए महत्वपूर्ण, रिट फर्स्ट लेवल के ये टॉपिक नहीं आएगा। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। राजस्थान पे अपन जल संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। राम राम सभी को, राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। क्लास को शेयर कर दो एक बार सभी, फिर शुभारंभ करते हैं। राजस्थान में अपन जल संरक्षण के बारे में, यानी कि रिट एसएस में दूसरा ही टॉपिक आता भौतिक प्रदेश के बाद में जल संरक्षण। स्वाति मारो, राम राम जी, राम राम सा, राम राम, राम राम भाई, राम राम। अब शुभारंभ करा, देखिए 10 से 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं अपने, है ना,
खुशबू शर्मा नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार, राम राम सभी को, राम राम। अब क्लास क्वेश्चन शुभारंभ करते हैं सर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संरक्षण का स्रोत नहीं है, यानी आपके सामने चार ऑप्शन है। गुड इवनिंग प्रिया जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अब क्वेश्चनों के आंसर दो देखिए, फिर आप लास्ट में समस्या गाने लग जाते हो सर, नेट खत्म हो गया। ये फर्स्ट लेवल में नहीं आएगा ये टॉपिक, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। रीट फर्स्ट लेवल वाले विद्यार्थियों के नहीं है, केवल एसएस व पटवार वाले विद्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संरक्षण का स्रोत नहीं है, आंसर दो भाई जल्दी से। अनुराधा शर्मा सी ऑप्शन, अनुराधा, अंकुर जी, आरती, मीणा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी अनुराधा शर्मा वापस सी ऑप्शन दे रहे हैं। टोबा तो जल परंपरागत जल स्रोतों में से एक है। अरे ये रीट एसएस भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें भी आप गलत दे रहे हो। इसका मतलब आप पुराने एग्जाम भी नहीं, पेपर भी नहीं उठा के देखते हो यार, या रीट एसएस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साहब का नाली, यहाँ पर आपसे पूछा गया नहीं है तो नाली नहीं होगा साहब। नाली जो है, ये नाली तो क्या होता कि गग्गर नदी जो है, उस गग्गर नदी के, यानी गग्गर नदी जो है उस गग्गर नदी का एक उपनाम है साहब, यानी कि नाली जो है ये गग्गर नदी का उपनाम है। जल संरक्षण का जो परंपरागत जो स्रोत है उसमें खडीन है, टोबा है, बावड़ी, गग्गर नदी का उपनाम हो गया, और नाली जो है ये नाली साहब और क्या होती है, तो नाली होती है साहब के भेड़ की नस्ल, यानी कि नाली जो है ये भेड़ की नस्ल भी होती है साहब, ठीक है, नाली नस्ल की भेड़ होती है नाली। गग्गर नदी का जो प्रवाह सेक्टर पार्ट होता है, नाडी होगा, नाली नहीं होगा। हाँ मधु खींची जी कह रहे हैं कि यहाँ पर नाडी होना चाहिए, नाली नहीं होगा साहब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो पर आ जाओ साहब। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर दो साहब, चांद बावड़ी का संबंध कौन से जिले से, क्वेश्चन नंबर दो का आंसर दो भाई, और जल्दी से कमेंट कर दो। बहुत ही बेसिक, देखो अपने क्या कि रिट प्रतियोगिता, रिट की अपन तैयारी करें तो रिट में क्या होगा कि जैसे अपन जो अपने स्कूली शिक्षा में जो बुके चलते हैं एनसीईआरटी की, उन्हीं में से आएगा, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, वन वन लाइन के क्वेश्चन आएंगे। मैं उसी हिसाब से आपके लोगों के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। अनुराधा शर्मा का आ रहा साहब का चांद बावड़ी सी ऑप्शन आ रहा, राजकुमार शर्मा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, अनिल खटीक सी ऑप्शन, अब देखो अंकुर कुमार जो है डी ऑप्शन दे रहे हैं इसमें भी। अंकुर जी कहाँ जा रहे हो डी ऑप्शन में, बिल्कुल बिल्कुल ये सभी लोगों के सही है। चांद बावड़ी जो है आबानेरी दोसा में स्थित है साहब, यानी चांद बावड़ी जो है ये कहाँ पर, दोसा में, यानी कि आबानेरी दोसा। तो चांद बावड़ी का जो संबंध है वो कहाँ से हो गया, तो वो हो जाएगा साहब का आबानेरी, और आबानेरी कहाँ पर स्थित है, तो साहब का आबानेरी दोसा, यानी चांद बावड़ी जो आबानेरी दोसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। एक आध विद्यार्थी ने गलत आंसर दिया था, बाकी लगभग लगभग सभी विद्यार्थियों के सही था। राहुल परमार, नेहा लोहार बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर तीन पे आ जाओ साहब, क्वेश्चन नंबर तीन पे आ जाओ साहब। जल संरक्षण हेतु खडीन, यानी कि जल संरक्षण हेतु खडीन जो है, ये खडीन सर्वाधिक, खडीन जो है इसका सबसे अधिक प्रयोग किस तरफ होता है, जल संरक्षण जो है उसके लिए जो खडीन जो अपन बनाते हैं वो खडीन सबसे अधिक किस जिले में आते हैं सब। कोई बात नहीं, गलत लिखने में आ जाता है अंकुर जी, आगे ध्यान दो। खडीन सबसे अधिक जोधपुर में है, या बाड़मेर में है, या बीकानेर में, या जैसलमेर में। अनुराधा शर्मा का तीन में डी ऑप्शन आ रहा भाई। रितु, नेहा, रणवीर, अनुराधा, रेखा, उम्मीद, शिखा अग्रवाल, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देने लग गए आप लोग। और आप आए एक दूसरे की कॉपी तो नहीं कर रहे हो ना, कॉपी मत करना हुआ, चाहे गलत आंसर दे देना। जैसा अभियंता पोरवाल जी आप गलत आंसर दे रहे हो, बीकानेर में सबसे अधिक खड्डी नहीं होंगी, अब तक केवल एक स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया। और राजकुमार शर्मा बी ऑप्शन, बाड़मेर में खड्डी नहीं, बीकानेर बाड़मेर में खड्डी नहीं होगी। राजकुमार जी, अभियंता जी, आप दोनों ने गलत आंसर दिया है। गुड इवनिंग सोनिया जी, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक खडीन जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो खडीन होगी साहब जैसलमेर में,
और ये जो खड्डीन है, इन खड्डीन में जो की जाने वाली कृषि जो होती, उस कृषि को अपन कहते हैं साहब खड्डीन कृषि। उसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो खड्डीन कृषि। और वो कौन करते हैं? तो वो करते हैं साहब जैसलमेर जो है, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, यानी पालीवाल ब्राह्मण जो है उनके द्वारा खेती की गई थी सर्वप्रथम। इनमें जो की जाने वाली कृषि जो होती है उसे अपन कहते हैं साहब खड्डीन कृषि। और ये सर्वप्रथम पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी साहब। और कहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों की अपन बात करें तो जैसलमेर के, ठीक है। ये वर्षाकालीन अस्थायी झील है और इसमें जो खेती करते हैं उसे खड्डीन कृषि कहते हैं। और सही जा रहे हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ कल्पना जी कह रहे हैं कि सही जा रहे हो, वरना आप गलत, क्योंकि आप लोगों की तारीफ करते हैं आप गलत की तरफ चलते हो। अब देखना बहुत सारे गलत जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दोस्तों आपके दूध बावड़ी, यानी दूध बावड़ी का संबंध कौन से जिले से है? सही कह रहे हैं कल्पना जी, जैसे हम लोग आप लोगों की तारीफ करते हैं और आप गलत आंसर देना प्रारंभ कर देते हो। चलो आंसर दो क्वेश्चन नंबर 4 पर, दूध बावड़ी का संबंध कौन से जिले में होगा? अरे बावड़ी यानी कि जल संरक्षण के परंपरागत स्रोत में से एक है बावड़ी। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के द्वारा पेयजल हेतु बनाई गई जो जो सिंचाई जो सीढ़ीनुमा कुएं होते हैं उन्हें अपन बावड़ी कहते हैं। नारायण सिंह चौहान का आंसर आ रहा बी, अनुराधा शर्मा का बी, कुशी वैष्णव का ए, मोनू शर्मा का डी, रितु का आ रहा सी, आरती मीणा का डी। मुझे लगे सही कहा कल्पना जी कि जैसे मैं आप लोगों की तारीफ करूंगा और आप लोग गलत आंसर देना प्रारंभ करोगे। कर दिया आपने धाका धीक। मोनू शर्मा सिरोही बता रहे हैं, अनुराधा बी बता रहे हैं, नारायण सिंह चौहान जो है बी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर दी इस बार धाका धीक। इस बार समान आंसर किसी की नहीं आया। मधु खींची जी कह रहे हैं डी को लॉक करो। हाँ देखते हैं, राघव कटिक बी ऑप्शन, अनिल कटिक ए ऑप्शन, कोमल बेरवा डी ऑप्शन। ध्यान दे यार कि दूध बावड़ी जो है वो दूध बावड़ी का संबंध कहाँ से? तो सिरोही से। और सिरोही में भी कौन सी जगह है? तो वो बावड़ी है साहब का माउंट आबू, यानी कि कौन सी जगह पर है? तो माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू सिरोही में साहब, ठीक है। तो यानी कि दूध बावड़ी का संबंध माउंट आबू सिरोही में। विश्वेश्वरी जोशी धाका दीख। मुझे पता था कि आप लोगों की जैसे मैं तारीफ करूंगा आप गलत आंसर देना प्रारंभ करोगे। कर दी मैंने आपको 3 क्वेश्चन आप लोगों की सभी के से आ रहे थे, चौथे क्वेश्चन में कर दिया आप लोगों ने मिस्टेक। चलो कोई ना, पांचवे क्वेश्चन को संभालते हैं साहब। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले का संबंध, यानी किसका संबंध तालाब से है? ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका संबंध तालाब से? हाँ बिल्कुल मनोज शर्मा जी डी से। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ और देखो कि निम्न में से किसका संबंध तालाब से, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है कि इनमें 4 ऑप्शन दे रखे आपको कि तालाब से संबंधित बताना आपको। सम्मी 5 का आंसर दो भाई, 5 क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर दो, जल्दी से दो। 5 पे पूजा टेलर डी ऑप्शन आ रहा है सम, नेहा लोहार डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, पंकज कुमार ए ऑप्शन। तालाब वाला ये जो शब्दावली है तो मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर फ्री में भी पढ़ा रखा। आप जय भारत ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, तालाब के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है। बिल्कुल बिल्कुल ये डी ऑप्शन सभी के सेहरा। जैसे कि अपन ये बात करते हैं यहाँ पर, ये होती है साहब का तालाब जो है, इस तालाब की ये क्या हो गई साहब का पाल, यानी ये क्या, तो ये हो जाएगी साहब का तालाब जो है, तालाब की हो गई साहब का पाल, ठीक है। तो तालाब की पाल जो है, इस तालाब की पाल के पीछे ये जो स्थान है, यानी कि इस भूमि को कहते हैं साहब क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं साहब का पाछोर। और इस तालाब के आगे, यानी कि इस तालाब के आगे ये जो स्थल है ना, ये यहाँ ये जो भाग है इसको कहते हैं साहब, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं साहब का आगोर। और जहाँ पर ये जो जल भरा होता तालाब का, इस तालाब जल जो भरता उसे कहते हैं साहब का आगार, यानी कि जहाँ पर जल भरा होता उसे आगार कहते हैं। ये जल जहाँ से बहकर आ रहा उसे कहते हैं आगोर, और तालाब पाल के पीछे जो भाग है उसे कहते हैं पाचोर। तो ये जो है उपयुक्त सभी सही होगा साहब, यानी ये सब तालाब से संबंधित है।
आपके गांव में अगर तालाब की पाल है, तालाब की पाल पर आप खड़े हो जाओ, जहां जिस तरफ पानी भरा उसे कहते हैं आगार, पाल के पीछे वाला भाग पाछोर कहलाएगा, और जिस सेक्टर से पानी बहकर आ रहा उसे कहते हैं आगोर। जहां से वो तालाब में पानी बहकर आया ना उस स्थान को आगोर कहेंगे। तो यानी उपयुक्त सभी सही होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ सब। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं सब अपन। हाँ, ये क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन सभी के सही था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। एल साहू जी आप ना क्वेश्चन नंबर लगा दिया करो ताकि मुझे पता पड़े कि आप किसका आंसर दे रहे हो। राजकुमार शर्मा डी ऑप्शन दे। राजकुमार जी आप भी क्वेश्चन नंबर नहीं लगाते हो, आप डी ऑप्शन आप पांचवे में दे रहे हो या छठवें में दे रहे हो, क्वेश्चन नंबर लगाया करो आप लोग। पालर पानी का संबंध किन जिलों से है, यानी कौन से ऐसे जिले जिनमें पालर पानी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ भाई। कौन से ऐसे जिले जिनमें पालर पानी का अपन उपयोग करते हैं। उमेद कुमार खटीक डी ऑप्शन। अशोक डी ऑप्शन। यस, पांच में दी, छह में आ जा, चलना भाई छह में। आप लोग पीछे हो क्या, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना। नेहा लोहार का आ रहा सबके बी ऑप्शन। बहुत धीमे चल रहे हो यार। स्पीड नहीं है आप लोगों की आंसर देने में। मेना सिका डी ऑप्शन, पांच में डी ऑप्शन दे रहे हैं यार। अनुराधा शर्मा, डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन। पालर पानी जो होगा दोस्तों, उस पालर पानी का संबंध होगा सबका नागौर अजमेर में। नागौर अजमेर सेक्टर जो है यहाँ पर क्या का नागौर अजमेर सेक्टर में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो वो अधिक पाई जाती है सबका फ्लोराइड, यानी कि फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, जो अपने भवन होते हैं वो भवन या फिर अपन कहे साहब का भवन या जो मकान होते हैं ना, उस मकान के अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा होद बना देते हैं। और होद बनाकर ये जो होद है इस होद में क्या करते हैं, यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि वर्षा वाला जो जल होता है ना, वर्षा जल, उस वर्षा जल को यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर उस जल को एकत्रित करते हैं साहब। ये वर्षा ऋतु का जो जल है उसको जल को क्या कर लेंगे साहब, के जल को एकत्रित कर लेते हैं और फिर वर्ष भर इसी जल को जो है वो किसके रूप में काम लेते हैं, तो वो पेयजल के रूप में इसी जल को काम लेते हैं। साल भर तक वो लोग जो है इसी जल को पीते रहते हैं। तो ये जो जल है, इस जल को अपन किस नाम से जान रहे थे, ये जल कहला रहा है साहब का पालर पानी। नागौर अजमेर सेक्टर में वर्षा ऋतु के जल को एकत्रित करने के लिए भवन के मध्य जो होद बना लिया जाता है उसमें वर्षा ऋतु का सारा जल एकत्रित कर लेते हैं और वर्ष भर उसी जल को पीने के रूप में काम लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये होद अगर आप नहीं बनाओगे तो जल जो है वो भूमि के अंदर चला जाएगा और भूमि के अंदर जाने वाले जल में क्या मिल जाएगा, फ्लोराइड। और जैसे ही फ्लोराइड भूमि के अंदर वाले जल में फ्लोराइड मिलता है तो उस फ्लोराइड युक्त पानी को पीने से अपने शरीर में धीरे 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 क्या आने लगता, कुबड़ापन आने लग जाता। इसलिए अपन कहते हैं कि नागौर अजमेर सेक्टर जो है, इस नागौर अजमेर सेक्टर को आपने नाम दे रखा होगा साहब का कुबड़, यानी कि कुबड़ पट्टी के नाम से भी अपन इसे जानते हैं साहब। क्यों, इस फ्लोराइड के कारण। नागौर अजमेर सेक्टर में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जल भूमि के अंदर अगर जल जाएगा तो फ्लोराइड मिल जाएगा, फिर उस फ्लोराइड वाले जल को आप पियोगे तो आपके शरीर में कुबड़ापन आने लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए वर्षा ऋतु के जल को भवन के मध्य होद बनाकर एकत्रित कर लेते हैं और वर्ष भर उसी होद से पेयजल यानी पीने का जल पीते रहते हैं। तो उस जल को अपन क्या कहते हैं, पालर पानी। तो पालर पानी का संबंध जो होगा वो नागौर अजमेर से होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे व्यक्तियों के गलत था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा और थोड़ा जल्दी करो, बहुत ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन यार, वन लाइन के। शुक्र तालाब का ऑप्शन पढ़ना ही नहीं, सीधा जिला टाइप करो ना यार। जैसे पूछा साहब शुक्र तालाब का संबंध किस जिले से, तो ऑप्शन क्यों देख रहे हो, आप सीधा आंसर दे दो, जिले का नाम लिख दिया करो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो भाई।
पंकज कुमार का बी ऑप्शन आ रहा है, मोना शर्मा डी ऑप्शन, नेहा लोहार डी ऑप्शन। अरे ये तो आपने इतिहास में भी पढ़ रखा होगा, नेहा लोहार डी ऑप्शन। नेहा जी एक बार ही दे दीजिएगा आप आंसर, मैं नाम ले लेता हूँ इसे। सबसे प्रारंभ के 10 आंसर देने वाले विद्यार्थियों का मैं नाम ले लेता हूँ, बाकी तो फिर तो नहीं ले पाता हूँ। रतन प्रजापति डी ऑप्शन, अनुराधा शर्मा डी ऑप्शन, खुशबू शर्मा, अभी आप 6 पे चल रहे हो, अभी 7वें में आ जाओ, 7वें में सिक्का डी ऑप्शन, अनुराधा डी ऑप्शन, अकबर के द्वारा, हाँ मोनू शर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुक्र तालाब का निर्माण जो है, यानी इसका तालाब का निर्माता जो था ना, वो निर्माता कौन था, तो वो निर्माता था सबका अकबर, यानी कि निर्माता जो था वो कौन था, तो वो था सबका अकबर। और इसने कहाँ पर निर्माण करवाया, तो इन्होंने निर्माण करवाया था सबका नागौर में, यानी शुक्र तालाब का संबंध जो है वो कौन से जिले से है, तो वो नागौर से होगा। निर्माता जरूर अपन अकबर के बारे में इतिहास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलो और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगत है, यानी कि इन चारों में से एक गलत है। ये जो चार तालाब आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से एक तालाब का संबंध गलत है साहब। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगत है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो भाई। खुशबू शर्मा जी कोई बात नहीं, गलत टाइप हो गया, ये गलतियां सुधारने के लिए तो अपनी ये श्रृंखला चला रखी है, क्योंकि एग्जाम में आप इस प्रकार की गलती ना। सर मेरे अभी तक सही आए हैं बट मेरा नाम ही नहीं लेते हो, सम्मी नाम लिया मैंने आपका पिछली बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, राघव खटीक, अनुराधा शर्मा, पूनम पूजा, कल्पना, हेमंत सुकवाल, अनिल खटीक, कुशी वैष्णव, खुशबू शर्मा, अनुराधा शर्मा, रतन प्रजापति। बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर दे रहे भाई, बहुत सारे विद्यार्थी। मोनू शर्मा कह रहे सर इसमें कन्फ्यूज्ड है, कन्फ्यूज्ड नहीं कहते हैं उसे, हनबन कहते हैं, डापा चौक होना या हनबन होना। कमलेश जी 7वें में नहीं अपन 8वें में आ गए ना। आशा जी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो भाई जेतपुरा बांध जो है वो जेतपुरा बांध भीलवाड़ा, यानी कि ये सत्य बात है। की अगर बात करें तो जेत सागर बूंदी में, ये भी सत्य वचन है सब। जेत सर तो ये अपने जैसलमेर में, ये भी सत्य वचन है। देखो मैं नहीं कहता हूं जीको में क्या कि शब्दों का खेल बहुत भयंकर है, जेतपुरा जेत सागर जेत सर एक जैसे नाम लग रहे लेकिन तीनों अलग अलग है। अब यहां पर देखो पन्ना लाल शाह का तालाब है और ये कहां लिख रखा सीकर, गलत है साहब, यहां पर नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, यानी पन्नालाल साका तालाब कहाँ, सीकर में, सीकर में नहीं होगा। पन्नालाल साका तालाब जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये होगा साहब का खेतड़ी, और खेतड़ी कौन से जिले में स्थित है साहब, तो खेतड़ी हो जाएगी साहब का झुंझुनू, जहाँ पर खेतड़ी के महलों में अजीत सिंह के आग्रह पर स्वामी विवेकानंद गए थे। अपन नहीं कहते कि राजस्थान में सर्वप्रथम विवेकानंद जी जो है खेतड़ी के महलों में आए थे। आपने पढ़ा होगा इतिहास में भी कि राजस्थान में सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी जो है खेतड़ी के महलों में आए थे, तो वो पन्नालाल शाह के तालाब के किनारे जो खेतड़ी के महल है वहां पर आए थे अजीत सिंह के आग्रह पर, फिर वहां से सिकांगो धर्म सम्मेलन में भी शामिल गए थे वो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पन्नालाल शाह का तालाब, ये होना चाहिए कहां पर, खेतड़ी झुंझुनू, जबकि यहां पर क्या लिख रखा सीकर, बाकी सब सत्य है। जेतपुरा बांध भीलवाड़ा में है, जेत सागर बूंदी में, जेत सर जैसलमेर में, ठीक है दोस्तों। चलो और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है, यानी कि मैंने चार ऑप्शन दिए इनमें से एक भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है, अभियंता जी का डी ऑप्शन, पूजा टेलर डी, हाँ ये पिछले क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे जो भी विद्यार्थी, थोड़ा आप क्वेश्चन नंबर लगा लिया करो ताकि मुझे पता पड़े कि आप किसका आंसर दे रहे हो ना। राहुल परमार
नकलची की बात नहीं राहुल परमार जी, आप निश्चिंत रहो आगे ऐसा नहीं बोलते। क्वेश्चन नंबर 9 पे नेहा जी का आंसर आया साहब 9 पे डी ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? अनुराधा शर्मा, कुशी, पंकज, सिका, अशोक, समी, मेना, पूनम, प्रियंका, आशा, अभी तो सभी का एक ही आंसर है डी, पूजा टेलर, राघव, पारस, रेखा जी, अनुराधा जी, नेहा जी, हेमंत जी, बिल्कुल बिल्कुल इस बार सभी का आंसर सही आ रहा है। देखो सेठानी का जोहर जो है, ये सेठानी का जोहर अपने कौन से जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा साहब चूरू में। पीताना जोहर ये भी कहाँ पर स्थित है? तो चूरू में। बीजाड़ा जोहर ये भी कहाँ पर स्थित है? तो चूरू में। बटाडुका कुआ ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा साहब का बाड़मेर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बटाडुका कुआ बाड़मेर। और ये बटाडुका कुआ जो है ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साहब। बटाडुका कुआ बाड़मेर में साहब, रेगिस्तान का जल महल कहते हैं इसे, यानी बटाडुका कुआ जो है ये बाड़मेर में स्थित है, इसे रेगिस्तान का क्या कहते हैं? तो जल महल कहते हैं साहब। इसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था संगमरमर से, दोनों तरफ इसके सीढ़ियां बनी हुई है संगमरमर के पत्थरों से, गुलाब सिंह था इसका निर्माता। जबकि सेठानी का जोहर, पीताना जोहर, बीजाना जोहर क्या ये सब जो है, ये सब कच्चे कुए, यानी कि ये जो है ना ये सेकावटी सेक्टर में जो है जोहर, अपन जो नहीं कहते जोहर, तो जोहर क्या, तो जोहर हो जाएगा साहब का अपना जो सेकावटी सेक्टर जो है, सेकावटी, इस सेकावटी सेक्टर में कच्चे जो कुएं होते हैं ना, कच्चे कुएं, उन कच्चे कुओं को कहते हैं साहब का जोहर, यानी सेकावटी सेक्टर में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता? जोहर कहा जाता। ये लगभग लगभग सभी विद्यार्थियों की सही था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ सब। क्वेश्चन नंबर 10 आप रीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके एनसीईआरटी की बुकें होगी या अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकें होगी, उनमें से बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं और वही आपके आएंगे सब। बाप रन का संबंध कौन से जिले से? क्वेश्चन नंबर 10 पर आंसर दो भाई। राहुल जी कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, आप टेंशन क्यों लेते हो यार? देखो गलतियां इंसान से होती हैं और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती है। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप लोगों से कभी भी किसी भी प्रकार की गलती हो जाए तो टेंशन मत लिया करो, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी कितनी बड़ी गलती कर लो आप टेंशन मत लिया करो, बस सोचा करो कि इस गलती का नाम अपन किसका ले भाई, किसी व्यक्ति का तो नाम लेना पड़ेगा ना, गलती किसने की, तो उस जिसका अपन नाम ले उस व्यक्ति का नाम सोचो किसके ऊपर ये गलती अपन थोप सकते हैं, टेंशन मत लिया करो। गलती करने के बाद टेंशन नहीं लेनी, बस सोचना कि गलती किसके सिर पे मोड़ी जाएगी। 10 का आंसर आ गया भाई डी ऑप्शन आ रहा है अधिकांश विद्यार्थियों के, बिल्कुल सही है। बाप झील के बारे में आपने पढ़ा होगा, बाप ये जो बाप रन है वो अपने कौन से जिले में? सबके जोधपुर में, बाप झील के नाम से जानते होंगे आप। बाप रन पोखरण जैसलमेर में, थोबरन बाड़मेर में, बाप रन कहां पर होगा? जोधपुर में होगा, बिल्कुल सही आंसर सभी विद्यार्थियों का। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ध्यान से पढ़ना। नवलखा बावड़ी का संबंध पूछा आपसे, नवलखा बावड़ी का संबंध जो है वो कौन से जिले से? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 10 सभी के सही, विश्वेश्वरी जोशी, अनुराधा और मीरा धाकर सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, सभी का सही है साहब। क्वेश्चन नंबर 10 सभी का सही, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ साहब। कुशी वैष्णव आप नंबर नहीं लगाते हो, अब किसका आंसर दे रहे हो, 11 या 10 का? पंकज कुमार 11 पे ए ऑप्शन, पंकज जी का सबसे पहले आंसर है 11 पे ए। संजय कुमारी शर्मा बी ऑप्शन दे रहे हैं इसमें भी, बिल्कुल बिल्कुल 11 पे ए। अंकुल शर्मा 11 पे सी बता रहे हैं, अंकुल जी 11 पे सी बता रहे हैं, बाकी सबका ए ऑप्शन। अंकुल जी का 11 पे सी है, बाकी सभी का ए ऑप्शन आ रहा भाई, बहुत बढ़िया। अनुराधा जी, समी जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर आपका। कुशी वैष्णव 11 पे सी, खुशबू ए,
बिल्कुल सही है, संजू कुमारी शर्मा, अनुराधा शर्मा, रितु, नैना, अनुराधा, सम्मी, पारस, ए सी ए सी ए सी, नेहा, राघव, खुशबू, रितु, बहुत बढ़िया। देखो नवलखा बावड़ी का जो संबंध होगा, नवलखा बावड़ी होगी साहब अपने डूंगरपुर में। जिन विद्यार्थियों ने बूंदी ऑप्शन दिया वो ध्यान दे साहब, का नवलखा यानी कि नवलखा झील की बात करें तो वो अपने कौन से जिले में आती, तो वो झील आती साहब अपने बूंदी में। अरे नवलखा के नाम से बहुत सारी चीजें हैं, नवलखा झील जो है ये बूंदी में है साहब। मैं यहां पर पहुंच रहा हूं नवलखा बावड़ी, तो नवलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में होगी, नवलखा झील जो बूंदी में है इसे अपन और किस नाम, नवल सागर, इसे अपन नवल सागर भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों के गलत आंसर है, क्यों आप लोगों की गलती नहीं, नवलखा के नाम से बहुत सारी विशेषता है, नवलखा बांध। अगर आपसे ये पूछा जाए साहब का नवलखा यानी कि नवलखा बांध के बारे में पूछे, तो नवलखा बांध जो है ये कहां पर स्थित है, तो ये आता साहब का बारा में, नवलखा बांध बारा में, नवलखा बावड़ी ये डूंगरपुर में, और नवलखा झील ये बूंदी में। और बताऊं मैं आपको, नवलखा महल भी है चित्तौड़गढ़ में, नवलखा महल की बात करें चित्तौड़गढ़ में साहब। जबकि आपको और पता है कि नवलखा दरवाजा भी है, यानी कि एग्जाम में नवलखा दरवाजा की बात करें, दरवाजा, तो नवलखा दरवाजा जो है वो कौन से दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा है। नवलखा दरवाजा अलग है, नवलखा महल अलग है, नवलखा झील अलग है, नवलखा बांध अलग है, और नवलखा बावड़ी अलग है, ठीक है। बहुत सारे नवलखा के नाम से बहुत सारे क्वेश्चन है। जिस प्रकार अपन नहीं कहते सावन भादो झील वो सिरोही में आती सा, फिर सावन भादो परियोजना वो कोटा में आती, श्रावण भादो बांध वो सवाई माधोपुर में आता, श्रावण भादो महल वो भरतपुर में होता है, और श्रावण भादो कढ़ाई जो है वो बीकानेर में सा। इस प्रकार के एक नाम के बहुत सारे फैक्ट होते हैं सब। बावड़िया ये तो इतिहास में पढ़ा होगा, रानी वो पेमल दे, पेमल दे ऐसा कोई नाम था उन्होंने बनाई थी, इतिहास में पढ़ा रखी सर ने, देखना आप इतिहास पढ़ना वापस। बाकी झील तो है महाराजा उमेद सिंह ने बनाई थी, हाँ बिल्कुल ये आ गया ना आंसर, मधु खींची ने दे दिया, पेमल ने आसकरण की वाइफ, हाँ आसकरण की वाइफ थी पेमल, और झील जो है झील तो उमेद सिंह ने बनवाई थी, महाराजा उमेद सिंह, नवलखा झील बूंदी। राजस्थान की प्रथम नाडी का निर्माण, ध्यान देवा राजस्थान की प्रथम नाडी की बात हो रही, पाडी की बात नहीं हो रही, पाडी तो भैंस की बच्ची को कहते हैं। राजस्थान की प्रथम नाडी का निर्माण किसने करवाया, ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे तालाब जो होते हैं ना, यानी ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे जो तालाब होते हैं उन छोटे तालाब को अपन क्या कहते हैं साहब, छोटे तालाब को कहा जाता है साहब का नाडी, और ये नाडी जो है इको जल अपन कई काम आवे, तो जल काम आवे साहब का पशु पेय जल, अपन क्या नाडी में अपनी पैडियां भैंसिया पैडियां कटे गिर भया, तो भैंसिया पैडियां नाडी में गिर साहब, तो पशु पेयजल के लिए काम आवे नाडी। तो अपना राजस्थान की प्रथम नाडी किसने बनाई, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे। आज का आप लोगों के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12 पे सी ऑप्शन दे रहे हो भाई। हाँ बिल्कुल मधु जी, मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूं थोड़ा आंसर फास्ट दिया करो, क्योंकि 2-2.5 घंटे में अपना नेट प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं वैसे क्वेश्चन भी 5-10 क्वेश्चन लेके आता हूँ। बस एक और क्वेश्चन है, इसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो भाई। राजस्थान की प्रथम नाडी का निर्माण किसने किया, राजस्थान की प्रथम नाडी का निर्माण किसने करवाया। बिल्कुल बिल्कुल सभी के आंसर आने आ चुके हैं। राजस्थान की प्रथम नाडी का निर्माण राव जोधा ने करवाया, और राव जोधा ने कौन सी जगह की बात है, तो प्रथम नाडी का निर्माण साहब राव जोधा, और कौन सी जगह पर करवाया निर्माण, तो जोधपुर में, यानी कि राजस्थान की प्रथम नाडी का निर्माण जो है राव जोधा ने करवाया, और कौन से जिले में करवाया, तो जिले का नाम है साहब जोधपुर। ठीक दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये गलत मत करना, आप लोगों के लिए आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है सब, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13 आज आप लोगों के लिए अंतिम क्वेश्चन है। मिलान करना तालाब या झील को उसके संबंधित जिलों से मिलाना सब, क्वेश्चन नंबर 13 आज का अंतिम क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 13 को मिलान करो सब। क्वेश्चन नंबर 13 पर मिलान करो, देखिए मिलान करो, तालाब या झील जो है उसको संबंधित जिलों से मिलान करना सब। कमलेश जी 13वें नंबर पे आ जाओ सब। प्रिया सोनी राव जोधा बहुत पीछे हो, आप लोग आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। नेट स्लो, हाँ पंकज कुमार का 13 में डी ऑप्शन आया भाई, पंकज जी का 13 में डी ऑप्शन। रिंकू अभी आप 12 में हो, 13वें नंबर की बात कर रहे हैं, पंकज जी का 13 में डी ऑप्शन आया। अंकुल शर्मा 13 में बी ऑप्शन। जगदीश गुज्जर 13 में सी ऑप्शन। कुशी वैष्णव 13 में डी ऑप्शन। बी सी और डी तो आ चुका आंसर, बी सी और डी, तीन चार में से तीन ऑप्शन तो दे दिया आप लोगों ने, सी मैना बी। अंकुल जी है जो बी ऑप्शन दे रहे हैं, रेखा कुमारी ए, हाँ ये लो साहब रेखा कुमारी का ए ऑप्शन भी आ गया, इसी की कमी थी बस, चारों आ चुके आप लोगों के, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी और डी, हाँ बहुमत बी डी को मिल रहे हैं सब। देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा, मिलान करेंगे अभी। शिखा अग्रवाल ए ऑप्शन, नेहा लोहार बी ऑप्शन, नवीन जैन बी ऑप्शन, पुष्पा शर्मा बी ऑप्शन, अनुराधा शर्मा ए ऑप्शन। नेट स्लो, हाँ बिल्कुल नेट स्लो है, अंतिम क्वेश्चन बस, घबरा मत हो, आज का अंतिम क्वेश्चन। जिन जिन विद्यार्थियों ने ए और बी ऑप्शन दिया उनके मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने थोड़ी सी गलती की है, बाकी जिन विद्यार्थियों ने सी और डी दिया उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे ध्यान दे, इधर देखना, गढ़सीसर झील ये कौन से जिले में है, तो गढ़सीसर झील जैसलमेर में, ये अपने पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है। रानीसर की बात करें तो रानीसर जो है ये अपने कौन से जिले में, जोधपुर में है। फिर अगर अपन और बात करें कि देवी कुंड सागर, तो देवी कुंड सागर ये अपने बीकानेर में, बीकानेर के राठौड़ शासकों की जो शासक थे उनकी छत्रिया बनी उस झील के किनारे। और अगर अपन बात करें तो फिर अपने पास में आता है मांड कला का तालाब, तो मांड कला का तालाब ये टोंक में है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए साहब कितना, 4, उसके बाद फिर कितना है 3, उसके बाद कितना है 2, और उसके बाद कितना है 1। तो अब आपके हिसाब से 4, 3, 2, 1, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन दिया उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पढ़ा के 4, उसके बाद पढ़ा 3 और कैसे निशान लगा दिया कि साहब ए सही है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि 4, 3, 2, 1, आपको चारों ऑप्शन पढ़कर ही आंसर देना। जिन्होंने ए ऑप्शन दिया उन्होंने बस केवल 2 पढ़े। सर मेरा लास्ट सही था, हाँ हो सकता है आपका लास्ट सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा ना, ये क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन होना चाहिए। और ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये मांड कला का तालाब जो है, ये मांड कला का तालाब कौन सी जगह है, तो ये होगा साहब आपका टोंक में, और इसे कहते हैं यानी टोंक में है ये, इसे कहते हैं अपन क्या, तो इसे कहते हैं साहब के मिनी पुष्कर, इसे अपन मिनी पुष्कर के नाम से जानते हैं, मांड कला का तालाब टोंक में मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है साहब। तो ये आज के लिए आप लोगों के अंतिम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग आपके एग्जाम तक इस श्रृंखला से जुड़े रहे, मिलते हैं बहुत जल्द।